गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप शायद सब बहुत बढ़िया होंगे। आज अगेन हम लोग यहाँ पर मिले हैं। हमारे सॉइल मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, कल भी बाकी थे और आज भी बाकी रह जाएंगे, खत्म नहीं होंगे आज भी। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स आगे तो बढ़ना है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज हम करेंगे यहाँ पर कुछ एक या दो क्वेश्चंस बाकी है हमारे गेट के जो प्रीवियस ईयर थे, और इसके अलावा ईएससी के प्रीवियस ईयर प्री के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ईएससी के प्री वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आपके एईजेई की एग्जाम्स में बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो कि कोई ना कोई एई या जेई की एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कंसोलिडेशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हम लोग कवर कर चुके हैं, गेट के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे, तो आज सिर्फ मुश्किल से दो या तीन क्वेश्चन बाकी है गेट के, और फिर ईएससी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आई होप शायद अभी तक कोई डाउट तो नहीं रहा होगा आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अगर कोई हो डाउट तो पहले वो पूछ ले, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। आई होप शायद सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं एकदम बढ़िया हूँ। खैर चलो यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं, बट पहले देखते हैं कोई डाउट अगर है तो वो बता दो। टाइम फैक्टर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है भाई, टाइम फैक्टर में कुछ है ही नहीं यहाँ पर समझने के लिए। वो एक सिंपल सा इंडेक्स है, वो सिंपल सा इंडेक्स क्या है, डायमेंशनलेस इंडेक्स है। और टीवी की वैल्यू किसके बारे में बताता है आपको, वो रिलेट करता है किसको, टाइम रिक्वायर्ड को, किसके साथ, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के साथ। किसको रिलेट करता है ये, टाइम रिक्वायर्ड को, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसोलिडेशन को, किसके साथ, किसी पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के साथ। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर आपको पता है तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, यही कैलकुलेट करने के लिए हमने ये टीवी को डिफाइन करा था, और यू की वैल्यू के बेसिस पे ही टीवी की वैल्यू यहाँ पर डिपेंड करती है, वेरी करती है। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो भाई कौन से एग्जैक्टली कौन से टॉपिक, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मेरे को वो बताओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यार ऑलरेडी हम लोग बढ़ चुके हैं, वापस से पूरा तो पढ़ाना सही नहीं है। हाँ, ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन करे हैं, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट तो मेरे को वो बता दो यार, कौन से क्वेश्चन में डाउट है ना। बाकी हाँ, अभी आज भी और भी कुछ क्वेश्चंस बाकी है, ऐसा नहीं क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। तो ईएससी के सारे क्वेश्चंस बाकी है, अभी प्री और मेंस दोनों बाकी हैं, है ना। तो मे भी शायद वहां कोई क्वेश्चन में डाउट आए तो वहां मेरे को पूछना कि सर ये वाले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, जो कि टीवी से रिलेटेड था। ठीक है, तो खैर बाकी रही बात, यहाँ पर रिकॉर्ड था टर्म क्या था, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। तो ये लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ के लिए मैंने बोला था आपको कि वन वे ड्रेनेज में स्मॉल डी की वैल्यू एच के बराबर होगी, और टू वे ड्रेनेज में ये स्मॉल डी की वैल्यू एच बाय टू के बराबर होगी, क्योंकि मिड वे से ही पानी ऊपर या नीचे मूव कर सकता है टू वे ड्रेनेज अगर है तो। तो ये डी के बारे में बिल्कुल मैंने ये आपको बताया था, और इसके अलावा मैंने पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन भी बताया था इस केस में कि भाई वन वे ड्रेनेज में कुछ इस तरह का वेरिएशन होता है और टू वे ड्रेनेज में वेरिएशन कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो ये दोनों ही वेरिएशंस भी मैंने आपको बनाकर बताए थे पीजोमीटर्स इंसर्ट करके। तो खैर ये था बात जो हमारा टाइम फैक्टर के इस फॉर्मूले से रिलेटेड था। हाँ, टीवी के दो फॉर्मूले थे, क्वेश्चन करेंगे भी, एक गेट का क्वेश्चन आएगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो कि अगर मेरे से पूछा जाए तो गेट में अभी तक के आए जितने भी क्वेश्चन है कंसोलिडेशन चैप्टर के, सबसे अच्छा लेवल का क्वेश्चन बाकी है अभी, तो वो करते हैं, उसमें ये टीवी वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे वहां पर भी। तो खैर चलो ठीक है, अभी फिलहाल और कोई डाउट हो टीवी के अलावा तो फिर पूछो, नहीं तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो ये टीवी का फॉर्मूले में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, फिर उसके बाद मेंस वाले क्वेश्चंस आएंगे अभी। हाँ, अगर तुम्हें को बोल रहे हो डाउट है तो पक्की बात है कोई ना कोई क्वेश्चन देखा होगा जो नहीं बना होगा। तो अभी भाई एक लेवल के क्वेश्चंस बाकी है, गेट के तो सारे क्वेश्चंस हो गए लेकिन गेट में एक क्वेश्चन है, गेट में तो एक ही बार आया है लेकिन कन्वेंशनल एग्जाम से बहुत बार मिल जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन जो कि टीवी पे बेस्ड है। ठीक है, तो वो जब मेंस के क्वेश्चंस लूंगा तब मैं वो वाले करवाऊंगा, बाकी गेट में जो एकमात्र क्वेश्चन आया है इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आज करवाता हूं। ठीक है, तो बाकी मेंस वाले क्वेश्चंस करेंगे तो ये वाला कांसेप्ट थोड़ा और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अभी खैर फिलहाल चलो यहां पर सामने क्वेश्चन दिख रहा है, आई होप दिख गया है, पढ़ो इसको फटाफट और आंसर बताओ कि क्या आएगा इसका आंसर, बाकी टीवी वाले क्वेश्चंस अभी जस्ट इसके बाद आएगा, वो करके देखेंगे अपन। ठीक है, तो पहले खैर ये बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, और कुछ अगर आंसर आता है और कौन सा ऑप्शन आता है वो बताओ मेरे को, है ना।
क्या बोल रहा है, एक ओइडोमीटर एपरेटस है, ठीक है, जिसमें एक स्पेसिमेन रखा गया जो कि फुल्ली सैचुरेटेड क्ले है और इसको कंसोलिडेट किया मैंने एक वर्टिकल प्रेशर 50 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब पे, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, एंड इज प्रेजेंटली एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मैंने प्रेशर लगाया। फिर आगे बोल रहा है दैट द इफेक्टिव प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर इमीडिएटली ऑन इंक्रीजिंग द वर्टिकल स्ट्रेस टू 150 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली आर। क्या बोल रहा है सुनो जरा, क्वेश्चन शायद समझ में आया नहीं आया पता नहीं, लेकिन ठीक है चलो पहले मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आप लोग आंसर बताना मेरे को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो ओइडोमीटर एपरेटस में हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, ये मैं मान लेता हूँ ओइडोमीटर में सॉलिड सैंपल है, ठीक है, सॉलिड सैंपल रखते हैं, हमको पता है ओइडोमीटर में, और इसमें क्या बोल रहा है कि इस पे ऑलरेडी कितना प्रेशर लग रहा है, 50 लग रहा था, लेकिन एक बात बताओ, कंसोलिडेशन का टेस्ट हमने किया और 50 पे अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, क्या लिखा है साफ साफ देखना, क्या लिखा है साथ में, इक्विलिब्रियम पे है, इसका क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब है कि भी अभी और कोई मूवमेंट नहीं हो रही होगी, यही होगा इसका मतलब, है ना, तो अगर अभी और कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब है कि जो पानी को बाहर निकलना था वो पानी बाहर निकल चुका है, यस और नो, तो जो 50 का यहां पर लोड लग रहा है ये किस पे लग रहा होगा, भाई जितना पानी बाहर निकलना चाहिए था वो निकल चुका है तभी इक्विलिब्रियम पे पहुंचे होंगे, बोलो हाँ, ठीक है सर, पानी पूरा बाहर निकल जाता है, पानी जब जैसे जैसे बाहर निकलता है वैसे वैसे क्या करता है, वो खुद के ऊपर लगा वाला लोड ट्रांसफर करता जाता है सॉलिड्स पर, इसका मतलब पानी बाहर निकल चुका जितना मूव करना चाहिए था, तो इसका मतलब पानी के ऊपर जो भी लोड लग रहा था वो पूरा का पूरा किस पे ट्रांसफर हो चुका होगा, सॉलिड्स पे ट्रांसफर हो चुका होगा, इसका मतलब ये जो 50 दिख रहा है ये 50 किस पे लग रहा है, ये 50 लग रहा है हमारे सॉलिड्स के ऊपर, बोलो हाँ समझ में आई, ये सॉलिड्स पे क्यों लग रहा है, क्योंकि सर इक्विलिब्रियम आ चुका है और पानी जितना मूव करना चाहिए था वो कर चुका होगा, दैट मींस जो भी लोड अप्लाई किया गया वो अब कौन उठा रहा होगा, सॉलिड्स उठा रहे होंगे, ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। अच्छा इसके बाद फिर आगे क्या बोल रहा है कि भाई मैंने यहाँ पर क्या करा कि भाई वर्टिकल स्ट्रेस को बढ़ा दिया, पहले कितना लग रहा था वर्टिकल स्ट्रेस, 50 लग रहा था, मैंने बढ़ा के कितना कर दिया, 150 कर दिया, ठीक है, तो मैंने 50 के लिए क्या कर दिया, 150 कर दिया, तो अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर 150 कर दिया इसका मतलब मैंने इंक्रीज कितना किया, ये बताओ, ये तो इनिशियल था, फाइनल कितना बोल रहा है, फाइनली मैंने कर दिया 150, हाँ या ना, तो अगर मैंने यहां पर सॉरी फाइनल टोटल लोड की बात कर रहा है, वर्टिकल की बात कर रहा है, तो ठीक है काम करता हूं मैं सिग्मा वी की बात करता हूं, यहां पर वर्टिकल को मैं सिग्मा वी लिख देता हूं, तो वर्टिकल कितना बोल रहा है कि 150 कर दिया है, लेकिन यहां पर एक और बात ध्यान रखना, कैसे इंक्रीज किया गया, इमीडिएटली इंक्रीज किया गया, ठीक है, तो लेकिन 150 में भी दो पार्ट है ना, पहले से लग रहा 50 और बढ़ाया कितना गया 100, तभी जाके तो 150 लगा होगा, भाई पहले से 50 लग रहा था वो एक अलग है और 100 जो अभी मैंने बढ़ाया वो अलग है, लेकिन एक बात समझना, जो पहले से लग रहा था वो कौन उठाएगा, जो पहले से लग रहा था सर वो उठा रहा होगा कौन, सॉलिड्स, लेकिन अगर मैंने जस्ट अभी और एक्स्ट्रा लोड लगाया तो जैसे हम लोग एक्स्ट्रा लोड लगाते हैं वो लोड कौन उठा लेता है, शुरुआत में पानी उठा लेता है, मतलब ये जो अभी अभी लगाया गया 100 है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा 100 कौन उठाएगा, अभी ये एक्स्ट्रा 100 वाटर उठाएगा, क्योंकि सर इमीडिएटली अगर लोड लगाया गया है तो इनिशियली कौन उठाता है, पानी उठाता है, तो एक्स्ट्रा कितना लगाया 100, वो कौन उठाएगा, पानी उठाएगा, लेकिन जो 50 लगाया हुआ था पहले से वो अभी भी कौन उठा रहा होगा, सॉलिड्स ही उठा रहे होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया मेरे लिए क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस, और जो पानी उठा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोर वाटर प्रेशर या न्यूट्रल प्रेशर, तो यही तो खैर पूछा है क्वेश्चन में, देखो जरा ऑप्शन मिलता है क्या, बट पहले ये बताओ ये कंसेप्ट समझ में आएगा, सिर्फ कंसेप्ट की बात है और कुछ है ही नहीं यहाँ पर कैलकुलेशन की, तो 50 and 100 दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए, ये बहुत इजी क्वेश्चन था अगर कंसेप्ट पता हो तो। क्या कंसेप्ट है कि जब आप इक्विलिब्रियम की बातें कर रहे हो इसका मतलब जो पानी बाहर निकलना था वो निकल चुका होगा,
मतलब पूरा का पूरा लोड अब कौन उठा रहा होगा, सॉलिड्स उठा रहे होंगे, पहले से लग रहा 50, लेकिन अगर आपने और बढ़ाया है 100, तो 100 जो बढ़ाया एकदम से, तो जब आप लोड लगाते हो तो इनिशियली कौन उठाता है, वाटर, कितना इंक्रीज किया आपने 100, तो वो 100 कौन उठाएगा, पानी, लेकिन जो पहले से लग रहा 50 था वो कौन उठा रहा होगा, सॉलिड्स, बस छोटा सा कंसेप्ट है ना, तो कंसेप्ट पे ही बेस्ड क्वेश्चन था ये, खैर गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बट पहले ये बताओ, चलो ये अगर बन गया हो तो बताओ क्या बात है, आज चुप चुप बच्चे है यार, एकदम एकदम शांत क्यों हो, करने हैं ना आगे क्वेश्चन, कि डर गए ऐसे क्वेश्चंस देखकर, सर वो ईएससी वाली करवा दो, एईजेई लेवल पे खेल लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा बोलना है तो मेरे को वो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्किप कर दूंगा क्वेश्चन को, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ है, बट पहले मेरे को ये कंफर्म कर दो यार, पिछला वाला क्वेश्चन क्लियर है ना, पिछला वाला तो क्लियर है, अगर क्लियर है तो फिर अगले वाले पे मूव करेंगे और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, है ना। पढ़ो पहले आराम से क्वेश्चन को, और भाई पिछला वाला क्लियर हो तो कम से कम एक बार कंफर्म तो कर दो, मेरे को पता तो चले कि हाँ आप लोग प्रेजेंट हो, है ना, तो एटलीस्ट एक बार अटेंडेंस दे दो, हाँ सर प्रेजेंट है, पढ़ रहे हैं हम लोग। हाई लेवल है सर, हाँ भाई हाई तो लेवल है, गेट के क्वेश्चन से यार, ईएससी में इससे इजी क्वेश्चन आते हैं, सच्चाई है यार, तो ठीक है, सबसे ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन गेट में ही है, ईएससी करेंगे ना, अभी पता चल जाएगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही फील हो जाएगा कि सर गेट के क्वेश्चन में तो एक एक क्वेश्चन में रुकना पड़ रहा था मेरे को, ईएससी के क्वेश्चन तो देखोगे और टिक करोगे। चलो देखो इस क्वेश्चन को आराम से, पूछ रहा है ओसीआर, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन बोल क्या रहा है, पहले कहानी पढ़ो जरा, ऊपर क्या लिखा है, द सॉइल प्रोफाइल एट अ कंस्ट्रक्शन साइट इज शोन इन द फिगर, ठीक है भैया ये सॉइल प्रोफाइल दी हुई है, आगे बोल रहा है दैट द ग्राउंड वाटर टेबल इज एट 5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, ठीक है भैया यहाँ है अभी फिलहाल ग्राउंड वाटर टेबल, लेकिन क्या बोल रहा है कि एक ओल्ड वेल मतलब पुराना एक कुआं हमने देखा, उसमें क्या दिख रहा है कि भाई पहले कभी वाटर लेवल कितना था, 10 मीटर हुआ करता था, तो अभी एक बात बताओ कि पहले कभी 10 मीटर हुआ करता था, ये तो होगी बात कब की, पास्ट की, लेकिन अभी फिलहाल यहां पर देख रहे हैं तो अभी फिलहाल पानी कहां है, ये है प्रेजेंट की, ठीक है ना, OCR पूछ रहा है, क्या OCR का फॉर्मूला पता है, पहली बात तो ये आ जाती है। भाई OCR का फॉर्मूला पता है, हाँ वो तो पता होना चाहिए, क्या बोला था, OCR is the ratio of maximum stress in the past, क्या है ये, maximum stress in the past to the present stress, यही रेशियो था ना, to the present stress, यही रेशियो है ये OCR, है ना, लेकिन अगर ओवर कंसोलिडेशन रेशियो निकालना है तो भी प्रेजेंट स्ट्रेस निकालना पड़ेगा और मैक्सिमम स्ट्रेस इन द पास्ट निकालना पड़ेगा, दोनों निकालने हैं। अब देखो क्या बोल रहा है कि भाई पहले पानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी फिलहाल प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, अभी फिलहाल प्रेजेंट है कहां पानी, यहां है 5 मीटर पे है, तो क्या करेंगे सर अभी के लिए स्ट्रेस निकालेंगे, तो सिग्मा डैश प्रेजेंट, ठीक है, अभी इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना तो आता है कि नहीं आता, आता है ना, क्या आता है सर, वाटर टेबल के ऊपर गामा बल्क लेते हो इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए, और वाटर टेबल के नीचे गामा सबमर्ज लेते हो इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए, तो वाटर टेबल के नीचे नीचे आपको गामा सबमर्ज लेना है, ऊपर गामा बल्क ले लेना है, तो अभी पहले बताओ ऊपर कितना डेप्थ है, 5 मीटर की थिकनेस है, ये 5 मीटर है ना, 5 × गामा बल्क कितना है, 17.5, बोलो ठीक है, आगे देखते हैं, यहां से यहां तक आ गए, फिर इधर से और नीचे कितना नीचे जाओगे बताओ सर, 10 मीटर, टोटल 15 है ऊपर 5 है, तो ये बीच वाला कितना बच गया, 10 × गामा सबमर्ज्ड, तो 10 × गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 18.5 इज गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर की वैल्यू कितनी है, 9.81 प्लस, आगे कहां निकालना है, किसके लिए निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ क्ले के लिए बोल रहा है, तो क्ले का मिड पॉइंट बताइए यहां तक, और कितना नीचे जाना है, यहां से 4 मीटर और नीचे जाओ, तो 4 मीटर के लिए क्या यूज करोगे, गामा सबमर्ज्ड ऑफ क्ले, 4 × गामा सबमर्ज्ड ऑफ क्ले कितना हो जाएगा बोलो, 17 − 9.81, ये हो गया प्रेजेंट स्ट्रेस, क्या ये समझ में आया, ये कैसे लिखा है, बस यही तो समझना और कुछ तो नहीं समझना है,
है ना। अच्छा प्रेजेंट स्ट्रेस तो समझ में आया, तो अब ये भी बताओ कि भाई पास्ट का स्ट्रेस कैसे निकालोगे, पास्ट में जो स्ट्रेस था वो कैसे निकालोगे। तो भाई पास्ट में बोला है कि भैया ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ था, 10 मीटर नीचे था, मतलब यहां था मेरा वाटर टेबल, ठीक है। ये होगी पास्ट की बातें, पास्ट का डायग्राम तो मैंने तो बताओ ये पहले के 10 मीटर में कौन सा गामा यूज करोगे। सर वाटर टेबल के ऊपर ऊपर है ये 10 मीटर, इसमें यूज करोगे गामा बल्क, लिखा जाए 10 into गामा बल्क। गामा बल्क की वैल्यू कितनी है 17.5, ठीक है। अच्छा अगला बच गया 5 मीटर, ये 5 मीटर में क्या यूज करोगे, गामा सबमर्ज्ड ऑफ सैंड, क्या होगा 5 into गामा सबमर्ज्ड ऑफ सैंड कितना है -9.81, ठीक है। अच्छा फिर आगे देखो, यहां से और 4 मीटर नीचे जाऊंगा क्योंकि मिडिल ईयर तक जाना है, 4 into गामा सबमर्ज्ड ऑफ क्ले, तो 17-, ठीक है भाई। तो सॉल्व कर लेंगे, प्रेजेंट पता है, पास्ट पता है, दोनों का रेशियो ही लेना है, ओसीआर की वैल्यू मिल जाएगी। पक्की बात है ये ज्यादा आएगा, क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि सर वाटर टेबल नीचे है, वाटर टेबल जितना नीचे होगा उतना इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा आएगी, ये आप जानते ही हो ऑलरेडी, है ना। तो खैर अगर क्वेश्चन बन रहा हो तो बताओ। अच्छा नहीं आया है, अरे मैं तो दिख रहा हूं मेरे को चलता हुआ, अच्छा शायद पहले रुका होगा, पहले क्वेश्चन नहीं बना था, आज बना, मैं मजा आ गया। अच्छा ठीक है, करने हैं सर, ओके पास्ट अपॉन प्रेजेंट, ठीक है। वीडियो पॉज नहीं हुआ है, मैं तो चल रहा हूँ, मुझे तो दिख रहा है, ठीक है। नो सर नहीं आया, भाई क्या नहीं आया वापस से बताओ कोई दिक्कत नहीं है, क्या नहीं आया ये पूरा वापस से बताना है कि ये वाले क्वेश्चन को दोबारा बताना है, तो एक बार बोल दो हाँ सर दोबारा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझ में आए कि क्या दोबारा बताना है, पूरा बताना है इस क्वेश्चन को। अरे एक बार कंफर्म तो कर दो, चलो सुनो पूरा क्वेश्चन सुनो, क्या बोल रहा है कि भैया अभी फिलहाल पानी कहाँ है 5 मीटर नीचे है, लेकिन बहुत पहले क्या देखने को मिला था कि भी पानी कहाँ था, वाटर टेबल 10 मीटर नीचे था। तो अभी फिलहाल अगर प्रेजेंट की मैं बात करता हूं तो प्रेजेंटली वाटर टेबल यहाँ है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है प्रेजेंट वाला। तो पहले के 5 मीटर जहां तक पानी नहीं है वहां पर क्या यूज करते हो आप, गामा बल्क इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए। ये इफेक्टिव स्ट्रेस के चैप्टर में पढ़ाया आपने कि वाटर टेबल के ऊपर ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए क्या यूज करते हो, लिखना है तो लिख लो चाहो तो, कि वाटर टेबल के ऊपर ऊपर कहां क्या यूज करते हो इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए, गामा बल्क यूज करते हो। फिर से बोल रहा हूं, वाटर टेबल के ऊपर क्या यूज करते हो इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए, गामा बल्क। वाटर टेबल के नीचे क्या यूज करते हो इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए, गामा सबमर्ज्ड। सिंपल सी बात है, जो सॉइल होगी उसका गामा सबमर्ज ले लोगे। देखो पहले के 5 मीटर में क्या लोगे, गामा बल्क, तो 5 into 17.5 इज गामा बल्क, 5 into 17.5, क्लियर है यहां तक, ठीक है। आगे देखो फिर इधर से और नीचे गए 10 मीटर, 10 मीटर में कौन सा यूज करूंगा, गामा सबमर्ज इसका। तो गामा सबमर्ज क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। बोलो हाँ ये गामा सैचुरेटेड है, गामा डब्ल्यू की वैल्यू कहाँ दी है 9.81, तो 18.5 माइनस 9.81 इज योर गामा सबमर्ज, कितनी थिकनेस 10 मीटर, इसलिए 10 मल्टीप्लाई करा। आगे देखो मिड डेप्थ तक जाना था इसलिए यहां से बच गया और कितना 4 मीटर, तो 4 के लिए क्या मल्टीप्लाई करूंगा, गामा सबमर्ज ऑफ क्ले, गामा सैचुरेटेड पता है, गामा सबमर्ज कैसे निकालोगे 17 माइनस 9.81, सम कर लेना भाई, ये आपको मिल जाएगा प्रेजेंट स्ट्रेस। अब बात आ जाती है पुराने पास्ट की, तो पास्ट में क्या था, वाटर टेबल 10 मीटर नीचे था, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में 10 मीटर नीचे था, तो ये पहले के 10 मीटर में क्या यूज करोगे, गामा बल्क, अगेन सेम है ना। फिर ये अगले 5 मीटर में क्या यूज करोगे, गामा सबमर्ज्ड 18.5 माइनस 9.81, फिर अगले 4 मीटर में क्या यूज करोगे, गामा सबमर्ज्ड ऑफ क्ले, खत्म काम। दोनों को कैलकुलेट करो और रेशियो ले लो, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपली कुछ नहीं करना, दिस अपॉन दिस कर लेना, ठीक है। वो तो मैंने फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पहले ही दे दिया लिखकर, तो बोलो ये समझ में आया, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछना, ठीक है। हाँ 1.21 आएगा आंसर, अरे यार अभी तो रुका हूं एक बार और प्लीज, भाई मैंने बता दिया अभी भी बताना है क्या, ये यार ये पुराना वाला कमेंट है,
अभी भी बताना है क्या दोबारा, तो ये बता दो, दोबारा नहीं तीसरी बार बताना है क्या तो मेरे को बता दो, है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद पुराना है डाउट सचिन का, एक बार और। तो अगर अभी नहीं रुकना है तो मैं आगे बढ़ूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक था क्वेश्चन, बहुत अच्छा भी नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि यार कोई भी कर ले, है ना। हाँ, अगर आपने इफेक्टिव सेल्स चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इजीली आप कर लोगे। बढ़ू ना आगे, चलो ठीक है। यहां तो हो गया ये क्लियर, अब देखोगे एक क्वेश्चन और, ये बढ़िया धासु क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को रैंक दी है फर्स्ट, ठीक है, इसलिए लास्ट में रखा है। फर्स्ट रैंक रखी मतलब तो समझ में आ गया कि भाई ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है, करो। हाँ, कन्वेंशनल मिल जाते इस तरह एक सवाल, गेट में दे दी तो गलत कर दिया इन्होंने, क्योंकि यार इसको सॉल्व करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा लगेंगी इधर, लेकिन ठीक है, फिर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। शायद 3 मिनट में ना हो, 6 मिनट में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अगर कुछ और नहीं आता तो यही कर लेना यार एग्जाम में, देखते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ो आराम से और फिर मेरे को बताओ कि कुछ समझ में आया है क्या क्वेश्चन, है ना। इस तरह का अभी तो फिलहाल ये पहला ही क्वेश्चन है, आगे और करेंगे हम लोग जब कन्वेंशनल क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ वैसे भी, पढ़ लो पहले आराम से। हाँ, धासु क्वेश्चन, पुराना था, चलो ठीक है। इसमें ही प्रॉब्लम आ रही है, अरे मुझे पता है जो नहीं पढ़ा है उसी में प्रॉब्लम पूछते हो तुम। पढ़ा दिया उसमें प्रॉब्लम नहीं पूछते, जो नहीं पढ़ाया उधर ही पूछते हो, ठीक है, करते यार, इसको कोई दिक्कत नहीं है। टीवी वाला कंसेप्ट तो भाई क्लियर है, दिक्कत है ये क्वेश्चन नहीं बन रहा था। मैंने बोला था तुम्हें, जहां तुम्हारा डाउट आता है मेरे को समझ में आ जाता कहां पूछ रहा होगा डाउट। पहले मेरे को ये बताओ सॉल्यूशन है क्या इसका, अगर हो तो निकाल के रख लेना बेहतर रहेगा। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यार इधर कैलकुलेशंस आएंगी कुछ और मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है जो मैं आपको हर एक स्टेप का आंसर बताऊं कि क्या आएगा स्टेप का आंसर, ठीक है। तो एक एक स्टेप में समझाऊंगा आपको आराम से कि क्यों करना है क्या करना है, लेकिन या तो तुम कैलकुलेटर लेकर साथ में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बिल्कुल कैलकुलेटर साथ में रख लो ताकि एक एक स्टेप पे क्या आंसर आ रहा है वो खुद भी आप चेक कर पाओ, ठीक है। ठीक है, तो कैलकुलेटर अपना साथ में रखना यार, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेटर साथ में रखना, मैं नहीं रखूंगा कैलकुलेटर, आप लोग कैलकुलेट करके बताओगे, मैं आपको बस स्टेप समझाता हूँ इससे, ठीक है। तो पहले पहले पढ़ लो यार, हो गया वो पढ़ना तो मैं बताओ, मैं सॉल्व करवाऊ, है ना। द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी की वैल्यू दी है, टाइम की वैल्यू दी है डी, तो टीवी मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, ठीक है, देखते चलो क्या करना है। देखो टीवी के लिए जो भी फॉर्मूले से जो भी कंसेप्ट है वो मैंने पहले ही दे दिए हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा लगेगा आपको कई बार कि यार शायद कुछ कंसेप्ट्स मिसिंग है, नहीं कंसेप्ट्स मिसिंग नहीं थे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिसिंग है। कॉन्फिडेंस इसलिए मिसिंग है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपने अभी तक किया नहीं, ठीक है। तो जो आप एक बार कर लेते हो ना फिर बाद में इजी लगता है वो, जैसे वो फाउंडेशन वाले क्वेश्चन थे जो मैंने कल करवाए थे, तो पहला फाउंडेशन का क्वेश्चन मे भी शायद नहीं बना होगा, लेकिन दूसरा बन गया होगा, या दूसरा नहीं बना होगा तो तीसरा वाला बन गया होगा। वैसे ये शायद नहीं बनेगा, आगे और क्वेश्चन दूंगा ऐसे, उसमें मजा आएगा करने में, ठीक है। चलो खैर, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तुम लोग तैयार हो कैलकुलेटर लेकर भाई, ऐसा नहीं कि बस यूट्यूब देख रहे हो, है ना, बुक से अलग कराना। अरे मेरे पास बुक वैसे भी नहीं है यार भाई, है, मैंने अभी तक स्टील के तो सब कोई भी लेक्चर डिलीट नहीं किया, ठीक है, अभी तक मैंने स्टील और आरसीसी का कोई भी लेक्चर डिलीट नहीं करा है, है है है, है ना। अच्छा चलो क्वेश्चन देखते हैं अभी फिलहाल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 20 मीटर की मेरी क्ले लेयर है, ठीक है, कितनी मीटर की लेयर है मेरे पास, 20 मीटर की लेयर है, ठीक है, 20 मीटर की लेयर है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, सैंडविच्ड बिटवीन अ सिल्टी सैंड लेयर एंड अ ग्रेवली सैंड लेयर, मतलब ऊपर क्या है, सिल्टी सैंड है, और नीचे क्या है, ग्रेवली सैंड है, ठीक है। ठीक है, ये तो पता है हम लोगों को कि भी ये दिया हुआ है, लेकिन एक बात समझना जरा कि ये सैंड है और ये भी सैंड है, दोनों ही सैंड है, तो मेरे को पहले ये बताओ कि जब यहां पर कंसोलिडेशन होगा इस पर्टिकुलर लेयर में, क्योंकि ये है क्ले,
ठीक है, तो क्लेम में जब कंसोलिडेशन होगा तो वन वे होगा कि टू वे होगा, बस सबसे पहले तो ये बताओ। यहां जो कंसोलिडेशन होगा वो वन वे होगा कि टू वे होगा, मतलब ये सैंड को मैं परमिएबल मानता हूं कि इम्परमिएबल मानता हूं भाई? ऑफ कोर्स सर, ये भी सैंड है, ये भी सैंड है, दोनों ही अगर सैंड है तो पक्की बात है दोनों ही तरफ क्या है, परमिएबल लेयर्स है। और अगर परमिएबल लेयर है इसका मतलब क्या है कि ऊपर ऊपर वाला पानी ऊपर ऊपर चले जाएगा, नीचे नीचे वाला पानी नीचे नीचे चले जाएगा। बोलो हाँ, दैट मीन्स ये कौन सा ड्रेनेज हुआ, वन वे हुआ कि टू वे हुआ, पहले तो ये बताओ कौन सा है, ये टू वे ड्रेनेज है। आई होप शायद क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि भैया टू वे ड्रेनेज है, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मैंने आज जो तुम्हें क्योंकि डाउट पूछ लिया था सरस ने, मैंने तुम्हें बोला कि भाई टीवी के बारे में जो भी कंसेप्ट है वो मैंने दे दिए हैं, तो भैया ये बताओ टू वे ड्रेनेज में लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ क्या होती है, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी होती है, एच बाय टू, थिकनेस का आधा, थिकनेस कितनी है बोलो, 20 मीटर बाय टू, मतलब कितना हो गया लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ कितना हो गया, 10 मीटर। बोलो हाँ ये तो पक्का है, इतना तो क्लियर है, इतना तो समझ में आता है यार, है ना, 10 मीटर हो जाएगा यहाँ पर हमारे लिए लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। फिर आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया, आगे सीवी की वैल्यू दे दी है, तो सीवी की वैल्यू दी हुई है इसका मतलब साफ समझ में आ गया है कि भाई फॉर्मूला लगेगा, लेकिन फॉर्मूला सीवी की वैल्यू देखकर नहीं समझ में आना चाहिए आपको, आपको क्या देखकर समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर लिखा है कि 30 mm का सेटलमेंट हो रहा है 2 साल में, और जहां टाइम इन्वॉल्व है, पक्की बात है जहां पर भी टाइम इन्वॉल्व है वहां पर टाइम फैक्टर का फॉर्मूला लगेगा, है ना, ठीक है। तो अभी जरा देखो फॉर्मूले को, मैं टीवी के फॉर्मूले को लिख देता हूँ साइड में, ये तो समझ में आ गया कि इसको अप्लाई करना है, लेकिन कैसे करना है ये नहीं समझ में आया अभी। आगे सुनो क्या लिखा है, 30 mm का सेटलमेंट, 30 mm का सेटलमेंट कितने टाइम में हुआ, 2 साल में हुआ। फिर आगे क्या बोल रहा है कि अगर सीवी की वैल्यू इतनी इतनी है तो ये बताओ कि डिपॉजिट जो है वो 50 mm का सेटलमेंट कितने टाइम में झेलेगा, ठीक है, तो 50 mm का सेटलमेंट कितने टाइम में होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। सवाल तो समझ में आ गया कि भैया 30 mm का सेटलमेंट अगर 2 साल में होता है तो 50 mm का सेटलमेंट कितने सालों में होगा, यही सिंपल सा सवाल है। कुछ एकदम ना समझ अनाड़ी बच्चे जिन्होंने कंसोलिडेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो बेवकूफी करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, बोलेंगे सर एक काम करते हैं इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं अपन और टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे 100/3, वाओ कर ले भाई 100/30 आ जाएगा, 100/30 मतलब 3.33 इयर्स आ जाएगा, वाओ सर आंसर खत्म। अरे यार ऐसा तो किसी ने नहीं किया ना, करते हैं कुछ स्टूडेंट करते हैं, हर तरह के मिले मेरे को तो, ठीक है आई होप शायद तुम लोग ऐसे नहीं हो, ठीक है। तो ये मत कर देना कि सिंपली इन दोनों का रेशियो ले लो, क्योंकि सर जैसे क्वेश्चन समझ में आया रेशियो ले लो काम खत्म 3.33, नहीं भाई गलत है ये, क्योंकि जो कंसोलिडेशन है वो लीनियरली नहीं चलता टाइम के साथ, है ना, सेटलमेंट लीनियरली नहीं चलता है टाइम के साथ। तो अगर ये आप लीनियर यहाँ पर रेशियो ले रहे हो इसका क्या मान रहे हो कि भाई सिमिलर ट्रायंगल बनेगा, सिमिलर ट्रायंगल तो बनना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर लीनियर बातें तो होती नहीं है, ठीक है। चलो अब बातें करते हैं कि होना क्या है, सुनना जरा, हमें ये पता है कि जो टाइम है वो किसके साथ रिलेटेड होता है, टीवी के साथ रिलेटेड होता है। जो गलतियां होती है पहले बता दी भाई, ऐसी गलती मत कर देना, टाइम जो है वो टीवी के साथ रिलेट होता है, ठीक है। और जो टीवी है वो किसके साथ रिलेट होता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के साथ, जिसके लिए ये 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अभी का मेरे को डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पता है, नहीं सर मेरे को डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन तो दिया ही नहीं गया, तो ये पक्की बात है सर पहले टीवी निकलेगा फिर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकाल कर आप कुछ कंपेरिजन कर सकते हो, ठीक है। तो पहले टीवी निकालते हैं हमारे 2 साल के लिए, कैसे निकालेंगे तो उसके लिए चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट, पहली स्टेप लिख रहा हूं, कैलकुलेट टीवी फॉर 2 ईयर्स। अब टीवी कैसे निकालोगे तो फॉर्मूला पता है, टीवी इज इक्वल टू बी सीवी इनटू टी बाय डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता है। चलो लिखे सारी वैल्यूज जो जो दी हुई है, सीवी की वैल्यू क्या दी है 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो क्या लिखूंगा 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा कितना टाइम लगा है, तो भाई 2 ईयर्स लिखा हुआ मैंने लिख दिया ना, तो 2 साल को किसमें लिखोगे भाई, ये 2 साल है, यूनिट क्या होनी चाहिए सेकंड्स, है ना, तो क्या लिखूंगा 2 के साथ, 1 साल में कितने दिन 365 डेज, बोलो हाँ सर, 1 दिन में कितने घंटे 24 घंटे, 1 घंटे में कितने सेकंड कितने मिनट 60 मिनट, कितने सेकंड 1 मिनट में 60, समझ में आई,
तो ये क्या आ गया, टाइम। लेकिन ये टाइम किस में लिखा है, सेकंड्स में लिखा है। बोलो क्यों लिखा, समझ में आया ना भाई, यूनिट सेम लिख के चलना है। अच्छा बच गया यहाँ पर डी, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। मैंने लिखाया आपको इसके पहले, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ कितना हो जाएगा, 10 मीटर। लेकिन भाई 10 मीटर किस में लिखना चाहिए हमें, सेंटीमीटर में, है ना। तो 10 × 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो क्या ये समझ में आया। एक एक चीज समझना यहाँ पर कि भैया वैल्यूज भी आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी, टाइम यहाँ पर यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। अब बताओ क्या यहाँ से टीवी की वैल्यू मिल जाएगी, आया ना, बिल्कुल टीवी की वैल्यू मिलेगी। अच्छा टीवी की वैल्यू जो भी मिल रही है मेरे को फटाफट बताओ यहाँ पर टीवी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। इधर जो टीवी की वैल्यू आएगी वो बताना कमेंट करके। लेकिन सर जो भी टीवी की वैल्यू आई है, हम ये जानते हैं सर टीवी की वैल्यू किसके साथ रिलेट होती है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के साथ। अच्छा सर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्यों निकालना चाह रहे, सवाल ये आएगा दिमाग में। सर टीवी निकालना चाह रहे वो तो समझ में आया कि फॉर्मूला कुछ और अप्लाई नहीं हो रहा था, तो मैंने टीवी का फॉर्मूला अप्लाई करके टीवी की वैल्यू निकाल दी। लेकिन सर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्यों निकालना चाह रहे हो, रीजन देता हूं। रीजन इसलिए दे रहा हूं, देखो जरा यहां पर क्या दिख रहा है कि सर ये 30 mm के लिए कुछ टाइम दिया है और 50 mm के लिए टाइम पूछा है, दोनों में क्या अलग होगा। एक तो टाइम अलग अलग होगा, दूसरा दोनों में डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन भी तो अलग अलग है। तो पक्की बात है यहां कुछ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, कम सेटलमेंट हुआ इसलिए। ऑफ कोर्स 50 mm का सेटलमेंट हो गया होगा, तब तक डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ गया होगा। तो कितना बढ़ गया ये तो निकालना पड़ेगा ना, और जब बढ़ गया ये निकालना है तो ऑफ कोर्स पहला वाला डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालना जरूरी है, फिर फाइनल वाला डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकाल पाओगे। तो पहले अभी ये बताओ कि यहां से टीवी की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से टीवी की वैल्यू क्या आ रही है, पहले ये चेक करो, ठीक है। कुछ अगर आया हो तो बताओ क्या है यहाँ पर डिग्री ऑफ, हाँ 0.1892। चलो ठीक है, अच्छी बात है, इतना ही साथ चाहिए यार मेरे को, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया भैया, टीवी की वैल्यू ये आ रही है मेरे पास। लेकिन भाई ये टीवी के लिए मेरे को डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालना है। अब जरा चेक करो कि मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू है वो 60% से कम है, ठीक है, 60% से कम है। तो क्या करूंगा, टीवी का फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, π/4 u/100 का स्क्वायर। अरे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, देख भाई ये दिया है ना, ये लिखवाया भी है मैंने ना, तो u की वैल्यू मैंने 60% से कम मान लिया तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर मान ले ये वाला फॉर्मूला गलत हो जाता, u की वैल्यू 60% से ज्यादा आ जाती है, तो ऑफकोर्स ये वाला लगाना है। तो मैंने अभी क्या एज्यूम कर लिया है कि जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है वो 60% से कम है, तो ये वाला लगा लेंगे, ठीक है। टीवी की वैल्यू पता है आपको, टीवी की वैल्यू क्या पता है, बोलो 0.192। इसके लिए निकालो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, π/4 u/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बताओ क्या आएगा, यहां से बताओ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू क्या आएगी, नीचे नीचे चलने दूंगा, ठीक है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू इसको सॉल्व करो कितनी आती है, बताओ मेरे को फटाफट क्या आ रही है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू। हाँ आगे 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 इसका आंसर बताओगे, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू क्यों निकाला, पूरा थोड़ा सा क्वेश्चन खत्म हो जाए फिर समझाता हूँ, क्योंकि बड़ा सा सॉल्यूशन है और मैं भी शायद आपको एक एक स्टेप क्यों ऐसा कर रहा है शायद समझ में ना आ पाएगा एक बार में, तो दूसरी बार में बताऊंगा। पहले क्वेश्चन खत्म होते टीवी की वैल्यू तो निकल गई, टीवी की वैल्यू से मैंने यू की वैल्यू निकाल ली। अच्छा यू की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, 49% आ रही है, ठीक है। तो टी ये आ गई यू की वैल्यू। लेकिन भाई एक बात बताओ, ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितने सेटलमेंट के लिए है, 30 mm के सेटलमेंट के लिए है, हाँ या ना। और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था, दैट डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैपिटल यू इज इक्वल्स टू भी क्या होता है, अभी तक कितना सेटलमेंट हुआ है अपॉन टोटल मैक्सिमम कितना सेटलमेंट होगा, यही होता था ना। अरे भैया टोटल कंसोलिडेशन का अभी तक कितना फ्रैक्शन हुआ, यही होता डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो टोटल अगर हो जाता तो इतना सेटलमेंट होता, अभी तक इतना हुआ है यही होता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो अभी बताओ अभी तक कितना यहां पर हुआ है, 0.49, 49% है, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो 49 लिखना, ठीक है। डेल्टा एच अभी तक कितना सेटलमेंट हुआ बोलो, 30 mm, तो ये बताओ मैक्सिमम कितना सेटलमेंट हो जाएगा एट द एंड ऑफ द प्राइमरी कंसोलिडेशन, तो कितना हो जाएगा बोलो, डेल्टा एच, डेल्टा एच मतलब मैक्सिमम सेटलमेंट कितना होगा,
that will be equals to be double कर लो तो ये पक्की बात है कुछ 60 point something आ जाएगा, हाँ या ना? ये maximum settlement होगा जब पूरा primary consolidation खत्म हो जाएगा। अब ये तो हो गई हमारी maximum settlement की बात है, लेकिन ये क्यों निकाला, सवाल ये आएगा, ये क्यों निकाला सर मैक्सिमम सेटलमेंट? ये इसीलिए निकाला क्योंकि जो मेरे को पूछा गया है ना, मेरे को पूछा गया है 50 mm के सेटलमेंट के लिए, क्या आपको ये पता है कि 50 mm का सेटलमेंट मतलब कितना डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन? नहीं पता था, लेकिन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालने के लिए अगेन फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन कैपिटल डेल्टा एच, ये होता है ना। तो भैया डेल्टा एच तो पता है, क्या कैपिटल डेल्टा एच पता था? नहीं पता था ना, तो क्या करोगे? ऑफ कोर्स आप पहले डेल्टा एच यहां से निकाल लोगे, ठीक है? तो वही क्या कैपिटल डेल्टा एच मेरे को पता है। अब बताओ इसके लिए डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होगा, लिखते चलो आगे, बढ़ाओ ना या फिर चलो छोड़ो, नेक्स्ट पेज पे करता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो अब लिख रहा हूं मैं दैट व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फॉर 50 mm सेटलमेंट। 50 mm के सेटलमेंट के लिए डिग्री ऑफ सेटलमेंट क्या, सॉरी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होगा? तो डी यू क्या होता है, स्मॉल डेल्टा एच अपॉन कैपिटल डेल्टा एच। अभी तक कितना सेटलमेंट हुआ है, इसके लिए निकालना है ना डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, तो 50 mm, जबकि मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना आ जाएगा, 5/6 मतलब 83.9 मान लेता हूं मैं, बोलो हाँ समझ में आया? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इसे निकालना था कि भाई ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए कितना टाइम लगेगा। अब बताओ क्या निकाल सकते हो इस डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए टाइम, कैसे निकालोगे? टाइम निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, TV is equals to CV into T by D square, फॉर्मूला वही है टाइम निकालने के लिए, बट वही फॉर्मूले में मुझे पता है कि TV की वैल्यू चेंज हो रही है यहां पर, ठीक है? तो इसके लिए निकालो TV, TV की वैल्यू निकालने, तो ये पक्की बात है that this is greater than 60%, और अगर ये 60% से ज्यादा है तो भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा 1.781, ठीक है ना? तो द वैल्यू चलो पुट करता हूं 1.781 -0.9332 log of 100 minus u, तो 100 minus 83.9 में मान लेता हूं यहां पर वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व कर लो, TV की वैल्यू मैंने निकाल लो, है ना? अब ये जो टीवी की वैल्यू आई है, ये जो भी यहां पर टीवी की वैल्यू आई है इधर पुट करना, और इसी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, सीवी इंटू टी बाय डी स्क्वायर। लेकिन अब जरा चेक करना क्वेश्चन में क्या नहीं पता, सर टीवी पता है इक्वेशन में, सीवी की वैल्यू पता है क्वेश्चन इक्वेशन में, वो पहले से दी हुई है, टाइम की वैल्यू निकालनी है, खत्म काम। सो यहां पर क्या करना, जो भी वैल्यू आ जाए सीवी की वैल्यू बोलो 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, टाइम की वैल्यू निकालनी है, यहां पर ड्रेनेज पाथ की वैल्यू कितनी होगी 1000 का स्क्वायर, खत्म बात। तो यहां पे जो भी टीवी की वैल्यू आ जाए उसको पुट करके टाइम की वैल्यू निकालना, लेकिन अगेन बात ये आ जाती है कि सर टाइम की वैल्यू किस में आएगी, सेकंड्स में आएगी, क्या करना है उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, सरनारी बात या आगे ईयर्स में डिवाइड कर देना। अच्छा ये जो भी वैल्यू ईयर्स में आएगी क्या यही आंसर होगा, नहीं ये आंसर नहीं होगा, तो भी चलो पहले ये बताओ आंसर यहां पर तक वैल्यू क्या आ रही है ये बताओ, ये बताने के पहले मेरे को ये बताओ यहां पर टीवी की वैल्यू क्या आएगी, जो भी टीवी की वैल्यू आएगी उसी को यहां पर पुट करके आपको आंसर निकालना होगा। तो बताओ नया टीवी क्या आएगा, नया टीवी 61.22, अच्छा 61.22 आएगा, ठीक है ठीक है यार इसको करेक्ट कर लेना, मैंने 60.5 लिख दिया तो इसको 61.22 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, कितना है 61.22, ठीक है ठीक है। सर इसमें तो फॉर्मूला दे रखा है, ऐसा होता है क्या सर ज्यादातर? अरे भाई ये एक ही बार मिला है ऐसा, ये वाले लेवल का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में इस लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलता, सिर्फ एक मात्र गेट है जिसकी सच में हिम्मत है कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन दे दे, बाकी तुमको क्या लग रहा है AEJEE के लेवल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अरे नहीं आएंगे, है ना? हाँ कन्वेंशनल में अगर आया तो बेटा ये फॉर्मूला याद रखना है, और मैंने पहले भी लिखवाया था याद करने के लिए, ठीक है ना, याद रख लेना ज्यादा अच्छा है, ठीक है? हर बार जरूरी नहीं है कि हाथ में लड्डू दे देगा और बोलेगा खा के दिखाओ, है ना, तो वैसा नहीं होना। अच्छा 0.606 पक्की बात है शायद यही वैल्यू है, टीवी की वैल्यू 0.606 आ गई तो शायद टाइम की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना? अभी बताओ क्या कुछ समझ में आया?
क्या कुछ समझ में आया? सुनना जरा, मैंने बोला था टीवी डिफाइन करता है रिलेशन किसके बीच में, टाइम और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के बीच में। लेकिन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन किसको रिलेट करता है? अगेन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन किसको रिलेट करता है? कितना फ्रैक्शन ऑफ कंसोलिडेशन खत्म हो चुका, अब कितना फ्रैक्शन ऑफ कंसोलिडेशन अभी तक हुआ है, ये हम लोग डिफाइन कर सकते थे आइदर ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट या फिर पोर वाटर प्रेशर या फिर वॉइड रेशियो। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था सेटलमेंट की वैल्यूज, इसीलिए मैंने क्या करा भाई, मेरे को वैल्यू दी है, देखना ध्यान से, वापस सुनो। टीवी रिलेट करता है किसको? टाइम को, ठीक है। लेकिन टीवी किस पर डिपेंड करता है? अगेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे, ठीक है। और अगेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? डेल्टा एच पर, वॉइड रेशियो पर या फिर पोर वाटर प्रेशर पर। याद है भाई, मैंने डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के तीन अलग अलग केसेस में फॉर्मूले लिखवाए थे, तीन अलग अलग टर्म्स में, याद है ये। तो अभी जरा सुनो, ये सब रिलेट करने के लिए इसलिए बनाकर दिया, सुनो। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन तीनों में से किसी पे भी डिपेंड कर सकता है, क्योंकि वो बताता है आपको कि कितना फ्रैक्शन ऑफ कंसोलिडेशन अभी तक खत्म हुआ है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसने इस क्वेश्चन में मेरे को क्या पूछा है, मुझे क्वेश्चन में पूछा है ये, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? टाइम पूछा गया है। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या गया है, किसके लिए पूछा है? मुझे पूछा गया इसके लिए, मतलब मुझे क्या दिया गया क्वेश्चन में? सेटलमेंट की वैल्यू दे दी गई है, और सेटलमेंट की वैल्यू देकर क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो ये पक्की बात है कि भाई मेरे को पहले वाला कुछ सेटलमेंट दिया था, मेरे को क्या दिया था? पहले वाला कुछ सेटलमेंट दिया था। तो मैंने क्या करा, पहले उस वाले सेटलमेंट से पहले कैलकुलेट करा टीवी, फिर वो जो टीवी की वैल्यू है उससे मैंने कैलकुलेट करा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। अब ये जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है उससे मैंने डेल्टा एच निकाला, और अगेन नया वाला डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकाला 50 एमएम के लिए। जहां 50 एमएम के लिए डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मिल गया, अगेन मैं वापस से गया, यू की वैल्यू को यूज करते हुए मैंने पहले टीवी की वैल्यू निकाली, ये दिख रहा, फिर ये टीवी की वैल्यू निकालकर मैंने टाइम की वैल्यू निकाली। ये था क्वेश्चन, एक्चुअली रिलेशन का ही क्वेश्चन था। आई होप शायद कुछ समझ में आया होगा या नहीं आया होगा पता नहीं, बट भाई ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है, गेट में तो अभी तक एक ही बार आया है ऐसा क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करने वाले बच्चे बच्चे रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस से, अच्छी बात है भाई बच्चे रहते हो तो। लेकिन भाई कब तक बचोगे? ऐसा थोड़ी ना है कि यार ऑस्ट्रिच है मुंह अंदर डाल दिया तो बच जाओगे, नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा प्री के बाद क्या होना है? कन्वेंशनल होना है। तो अगर अभी डर रहे हो तो बेटा पक्की बात है प्री के बाद तो बहुत डरने वाले हो, क्योंकि मेंस की तैयारी तो आपने की नहीं सच में, और मेंस में ऑफ कोर्स इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो मैंने एक पैटर्न बताया जो क्वेश्चन इस दर था, दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है भाई? मुझे अभी पूछ दिया हुआ था क्या, एक पर्टिकुलर सेटलमेंट दिया था और दूसरे सेटलमेंट के लिए टाइम पूछा गया है। सवाल और भी क्या हो सकता है कि भाई अभी फिलहाल वॉइड रेशियो इतना है तो बताओ वो वाला वॉइड रेशियो कब तक पहुंचेगा? वॉइड रेशियो में भी रिलेट करके पूछ सकता है आपको। तीसरा एक और सवाल क्या पूछ सकता है घुमाकर कि भैया अभी फिलहाल पोर वाटर प्रेशर इतना है, यू की वैल्यू बताओ आगे चल के कितना होगा? तो भैया यू की वैल्यू से भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया, समझ में आ रही बात? अब तुम बोलोगे सर ये तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपने ठीक से नहीं पढ़ा रहे। भाई मैंने तो सब पढ़ाया, लेकिन शायद तुम ये मैप नहीं बना पाए अपने दिमाग में, ठीक है। और अगर ये मैप क्लियर होगा तो आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। अभी पहला क्वेश्चन करवाया इस तरह का, ठीक है भाई आगे और भी कर लेंगे, ताकि ये वाला जो मैप है रिलेशन जो है अलग अलग यहाँ पर टर्म्स में वो मैप क्लियर हो पाए, तभी आके इस लेवल के क्वेश्चंस बन पाएंगे, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चन को एक बार और समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। 6.44 ईयर, क्या यही टिक करोगे फाइनल आंसर? नहीं यार, फाइनल आंसर ये भी नहीं है 6.44, दिक्कत तो यहाँ पर ये हो गई। इतना करने के बाद भी अगर यहाँ पर 6.44 पुट कर देते तो आंसर गलत हो जाता, क्योंकि पूछा क्या गया है और कितने साल लगेंगे, ये नहीं पूछा कि टोटल कितने साल लगेंगे, ये पूछा और कितने लगेंगे। तो भाई ऑलरेडी कितने साल बीत चुके हैं, ऑलरेडी कितने बीत चुके हैं? 2 साल। 6.44 अगर लग रहा है टोटल तो और कितने लगे? 4.44। यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए थी? मतलब बेटा सब करने के बाद, इतनी माथापच्ची करने के बाद आंसर सही निकाल भी दिया, यहाँ पर 6.44 पुट कर दोगे तो वैल्यू मार्क्स की 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना नेक्स्ट पूछा गया था, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, जिसको आता है जिसको नहीं आता वो सब बराबर हो गए, है ना, ऐसा होता है बच्चों के साथ। क्वेश्चन
ठीक से नहीं पढ़ पाते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार और इस क्वेश्चन को समझाना है तो मेरे को ये बताओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, एक बार और समझाना है तो बताओ। माइनस टू, हाँ माइनस टू करना पड़ेगा आंसर में, ठीक है ना। तो 6.341 है, बाकी 6.44 बोल रहे हैं अंतिमा। चलो ठीक है, बढ़िया है। आगे होगा यार, ट्राइएक्सियल होने वाला है, इसका अगला वाला चैप्टर ही शियर स्ट्रेंथ चैप्टर है, है ना। तो अगला चैप्टर ही शियर स्ट्रेंथ आएगा इसके बाद। खैर फिर से बताना है तो ये बताओ, है ना, नहीं बताना कोई दिक्कत नहीं है, और आगे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है। बट यार इस लेवल के क्वेश्चन कहाँ मिलने चाहिए, वो तुम्हें भी समझ में आ गया है कि सर ये 3 पन्ने जा रहे हैं अगर मेरे को करने में, तो इसका मतलब है कि यार ये कन्वेंशनल लेवल का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में तो गलती से दिख गया है यहाँ पर। और गेट ही एकमात्र ऐसे एग्जाम है जो कि इस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकती है ऑब्जेक्टिव में, बाकी तो कोई दम नहीं है यार। एक एक स्टेप सॉल्व नहीं हो पाएगी यहाँ पर आपसे अगर कैलकुलेटर नहीं दिया गया हो तो। इसलिए तो मैंने क्वेश्चन करते टाइम पहले ही बोल दिया कैलकुलेटर रख लेना यार, या फिर सॉल्यूशन रख देना, कम से कम मेरे को आंसर देना, है ना, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। बहुत ज्यादा आलसी हो, सबके सब तो नहीं लेकिन अधिकतर स्टूडेंट तो यहाँ पर बहुत आलसी है। बहुत आलसी क्यों, बढ़िया मोबाइल में लेकर बैठ कर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखो अच्छी बात है, लेकिन यार साथ में सॉल्व तो करो, वो तो करते नहीं हो। चलो हो गया तो बोलो, एक बार और समझाना है क्या, ठीक है। अच्छा चलो यहां तक अगर हो गया है तो राहत की सांस लो। तो राहत की सांस ले लो, किसी ने बोला नहीं रिपीट करने का, तो अच्छी बात है। क्या याद रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में, तो भैया ये याद रख लेना, क्या याद रखना है फिर से बताऊं, टीवी रिलेट होता है टाइम के साथ, टीवी डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के साथ, लेकिन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन डिपेंड करता है डेल्टा एच वॉइड रेशियो और पोर वाटर प्रेशर के साथ। कोई भी वैल्यू देकर कहीं से भी क्वेश्चन घुमाकर वो आपको पूछ सकता है, लेकिन अगर इस लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया तो भाई पक्की बात है वो कन्वेंशनल में ही जाएगा। अच्छा सर टीवी की वैल्यू के क्वेश्चन तो इसके पहले भी मिले थे ऑब्जेक्टिव में, वहां क्यों नहीं दिमाग खराब हुआ हमारा, रीजन देता हूँ। उधर हमारा जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन था वो क्या था, हर बार सेम था, याद करना। इसके पहले जो दूसरे और भी सवाल थे टाइम वाले और भी सवाल थे हमारे पास इसके पहले, जिसमें मैंने बस वो ड्रेनेज कंडीशंस को चेंज कर दिया था, वन वे से टू वे को कर दिया था। उस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज का ध्यान रखना, हर बार उन क्वेश्चंस में क्या था, उन क्वेश्चंस में डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सेम दिया गया था। 90% पहले करने में इतना टाइम लगता है, बताओ वन वे की जगह टू वे कर दिया तो कितना टाइम लगेगा फॉर द सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ये हर बार लिखा रहता था उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो भैया ये बताओ यू की वैल्यू चेंज करी थी क्या उन क्वेश्चंस ने, नहीं करी थी। जहां यू की वैल्यू चेंज नहीं करी तो क्या इधर से इधर कूदूंगा मैं, नहीं ना, क्योंकि भैया यू की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो इधर से इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर U की वैल्यू क्वेश्चन में चेंज कर दी है, सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन नहीं बोला गया है, तो भाई ये ब्रिज कूदना पड़ेगा आपको, और फिर वो क्वेश्चन कौन सा बन जाएगा, कन्वेंशनल लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। यही आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि भाई सच में ये क्वेश्चन कौन से लेवल का है, आपको अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो बस डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर कॉन्स्टेंट है तो वो ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कॉन्स्टेंट नहीं है कन्वेंशनल का बन जाएगा जो अभी देखा हमने, ठीक है। चलो ऑब्जेक्टिव वाले तो और भी मिलेंगे क्वेश्चंस यार, ऑब्जेक्टिव वाले तो अभी और मिलेंगे, देखो क्वेश्चन सामने है, ईएसए प्री वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इजी लेवल है, मजा आएगा इन क्वेश्चंस को तो करने में, क्योंकि यार फूक मार के उड़ा देंगे इनको तो अपन। हाँ भाई गेट के बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये तो भाई लड्डू एकदम, है ना, पढ़ो और आंसर बोलो चलो, है ना। कुछ अगर ऐसा है आगे दूसरा क्वेश्चन कराओ सर, गेट 2016 वाला भाई करवा दिए, कल भी थे क्वेश्चंस हो गए सारे, 2016 वाला कौन सा था पता नहीं, बट मैंने करवाए सारे तुम्हें, है ना, सारे करवा दिए है भाई। 2016 का भी कौन सा था ध्यान नहीं है, बट करवा दिया मैंने 2016 के भी, 2016 नहीं मैंने 2021 तक के भी क्वेश्चन करवाए। कल भी था, कल वाला सेशन देख लेना भाई, शायद वहां पर वो क्वेश्चन मिल जाए, है ना। स्टील भाई स्टील होगा अभी 8:30 बजे, है ना, आज नहीं है कल होगा, है ना। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि शुभम ने बोला है रिपीट कर दो सर, है ना। द नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ अ सैचुरेटेड क्ले स्ट्राटा 3 मीटर थिक इज 0.9। अरे वाह लड्डू क्वेश्चन, बोलो कर दो फटाफट।
हो जाएगा। कैसे होगा भाई, देखो पहले का वॉइड रेशियो दिया है, बाद वाला वॉइड रेशियो दिया है ना, वॉइड रेशियो तो चेंज हुआ, सही बात है, लेकिन सर टाइम पूछा है क्या यहाँ पर, तो ये मत करना कि सर टाइम पूछा था, नहीं टाइम नहीं पूछा तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, टाइम नहीं पूछा तो टीवी वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां दिमाग मत लगा देना अब, ठीक है। तो इधर टीवी की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि टाइम तो पूछा ही नहीं है ना, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जरूर चेंज हुआ लेकिन टाइम नहीं पूछा गया था इस क्वेश्चन में, इसलिए वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा एच अपॉन एच नॉट इज इक्वल्स टू बी डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट, ये फॉर्मूला बिल्कुल पढ़े हुए हो, अरे कितनी बार यूज कर रहे हो, बोलो डेल्टा एच, यहाँ पर टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट पूछ रहा है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रहा है, इनिशियल थिकनेस की वैल्यू कितनी दी है 3 मीटर, डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.9 से 0.71 हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा मेरा डेल्टा ई, इनिशियल वॉइड रेशियो कितना है 0.9, खत्म काम। सो डेल्टा एच की वैल्यू सेंटीमीटर में पुट करनी है तो वैल्यू क्या आएगी 300 इनटू इधर बोलो 0.21 सॉरी 0.19 डिवाइडेड बाय 1.9, सो 19 डिवाइडेड बाय 190, खत्म काम, डिवाइडेड बाय 10 करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। वाह लड्डू, समझ में आया लड्डू कैसा है, हो गया ना सॉल्व, इतना ही तो करना है। चलो ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल मिलते हैं आपको AEJEE की एग्जाम्स में, ESC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है उन तरह के एग्जाम्स में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, खास करके 95 का क्वेश्चन है तो, है ना, 2010 तक के कम से कम क्वेश्चंस करना आप। चलो हो गया, अगला 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आराम से, एक चीज का ध्यान रखना, अब ऑब्जेक्टिव है तो जो पिछले वाला क्वेश्चन में हुई थी ना इतना लंबा क्यों हो गया, क्योंकि सर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन चेंज हो गया, टाइम पूछा था, क्वेश्चन देखो सामने है आपके, ऑब्जेक्टिव लेवल का है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सेम है, तो पहचान पाए ना ये ऑब्जेक्टिव है, इजी वाला है, क्यों, क्योंकि देखो इधर क्या दिया 50% कंसोलिडेशन, पहले भी क्या था, समझ में आई बात, मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इस क्वेश्चन में क्या है सेम रखा है, तो आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेवल का बनेगा, इजी बनेगा, लेकिन अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यहां पर चेंज कर दिया होता तो मैं इस क्वेश्चन को हाथ जोड़ के मना कर देता, क्योंकि ESC में पूछा गया है, बिना कैलकुलेटर के मुश्किल है सॉल्व करना, ठीक है। खैर चलो देखो अभी है ना क्या है, पढ़ो पढ़ो आराम से। A and B are subjected to the consolidation test under identical load conditions. ठीक है, drainage takes place through one phase in A. ठीक है, तो A में कैसा है? One way drainage है. फिर आगे बोल रहा है that in sample B, through both the phases in sample B, मतलब B में कैसा है? Two way drainage है. ठीक है, ये दिया हुआ question में. फिर आगे देखो क्या बोल रहा है? 50% consolidation in A occurs in 10 minutes. मतलब A में कितना time लग रहा है? 10 मिनट लग रहा है, तो भैया बी जिसमें टू वे ड्रेनेज है तो बताओ टाइम कितना लगेगा, हम जानते हैं सर कि जब टू वे ड्रेनेज होता है तो टाइम 1/4 लगता है फॉर द सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, तो 1/4 मतलब 10/4 दैट इज इक्वल्स टू बी 2.5 मिनट्स, खत्म काम, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 दिख रहा है सामने, तो आंसर बताओ है ना, अगर 2.5 सेकंड ही 2.5 मिनट्स। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे क्या, पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, ये होता क्या है, कम से कम आपको वो सिंबल याद आ जाना चाहिए है ना, इतने क्वेश्चन करने का सिंबल तो याद आना चाहिए। एवी क्या होता है फॉर्मूला बोलो, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश, यही होता है वैल्यू, बोलो चलो इधर डेल्टा ई कितना चेंज हुआ है वो ई में 0.7 से 0.6, हाँ इधर बोलो कितना चेंज हुआ है 17.5 से 17, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू ले लेनी, अदरवाइज यहाँ पर नेगेटिव साइन लेना पड़ता है, ठीक है। तो कई बार बुक में देखोगे आप नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि भाई वॉइड रेशियो की वैल्यू कम हो रही है और इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा देता है बुक में, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बोलो चलो 0.1 डिवाइडेड बाय वैल्यू
0.5 हो गया, निकाल लो 0.2, 1/5 दैट इज 0.2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, खत्म काम। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो आराम से, जल्दी जल्दी आप आंसर बताओ, ये तो इजी है यार, ओरल हो जाना चाहिए अब तो हमसे, है ना। और अगर ये सी क्वेश्चन बेटा आप ओरल करने लगे मतलब समझ लेना एग्जाम इजी है ना, बस पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते। बताओ 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 क्या है आंसर इसका। अक्लील एयर 5 मीटर की है, 300 पर दिन लगते हैं। अगेन ध्यान रखना डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, सेम है 50% 50%, है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव है ही ऑब्जेक्टिव यार। विद डबल ड्रेनेज कितना टाइम लग रहा है, टू वे ड्रेनेज में कितना टाइम लग रहा है, 300 दिन लग रहे हैं। तो आगे क्या बोल रहा है कि इफ द सेम क्लियर इज अंडर लेन बाय हार्ड रॉक, मतलब एक नीचे की तरफ क्या दिख रहा है कि भाई इम्परमेबल लेयर है, तो अगर एक लेयर को भी इम्परमेबल कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वन वे ड्रेनेज हो जाएगा। बोलो हाँ, तो वन वे में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 4 गुना टाइम लगेगा। तो 4 गुना मतलब 300 × 4 दैट इज इक्वल टू बी 1200 डेज, काम खत्म, ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ इतना ओरल कर सकते हो क्या, हाँ यार इतना तो कर ही लेंगे, वो तो मैं लिख कर बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को लिख समझ में आता है उनके लिए लिख कर दे रहा हूँ, बस बन गया ना। चलो अगला क्वेश्चन, इतना तो भरोसा है यार तुम लोगों पे, इतना तो कर ही लोगे कम से कम। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन देखो, 1200 डेज बढ़िया है। अच्छा दो बच्चे तो यहाँ पर लगे हैं, शिवम पीछे हो रहा है क्या, आंसर नहीं है यार। सम्राट प्रभाकर ये भी आ गया है लाइन में, बढ़िया है, अच्छा है, दौड़ लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ इसका क्या आएगा। क्या होता है कि जब अगर मैं कंसोलिडेशन होता है तो ड्यूरिंग कंसोलिडेशन क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू कम होती है और इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती है। सर पानी जैसे जैसे बाहर निकलेगा, पानी खुद के ऊपर लगाया वाला लोड धीरे धीरे सॉलिड्स पर ट्रांसफर करने लगेगा, कितनी बार बताया, पोर वाटर प्रेशर कम, डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, डिक्रीज इन, नहीं ये सही नहीं है, डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, खत्म है ना, बन गया ना। चलो ऑप्शन नंबर डी बन गया है यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, गेट के करने के बाद ये तो इजी लगेंगे यार, लगने भी चाहिए, है ना, बताओ। चलो मैच करो फटाफट, आराम से मैच करो और ऑप्शन बताओ, क्योंकि मैच करने में टाइम लग जाता है थोड़ा। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एवी, एवी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा डैश, मतलब वॉइड रेशियो और स्ट्रेस को ये रिलेट करता है, वॉइड रेशियो और स्ट्रेस, स्ट्रेस और वॉइड रेशियो, ठीक है। कंप्रेशन इंडेक्स सीसी क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा ई अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा एफ डैश अपॉन सिग्मा नॉट डैश, यही होता है ना, तो लॉग और वॉइड रेशियो, ठीक है। अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ मॉडुलस ऑफ सबग्रेड, ठीक है, सबग्रेड मॉडुलस क्या होता है, के बाय डेल्टा, सर ये नहीं पढ़ाया आपने, अरे नहीं पढ़ाया क्योंकि ये आता है ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा सॉइल में भी मिलता है ये, है ना, लेकिन सॉइल में नहीं पढ़ते हम लोग, एक्चुअली इसको ट्रांसपोर्टेशन में ही पढ़ते हैं, प्लेट लोड टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं, लेकिन हाँ प्लेट लोड टेस्ट के बारे में जरूर पढ़ोगे आप, ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट जरूर पढ़ोगे आप, लेकिन भाई जो हमारा गलत लिख दिया, पी बाय डेल्टा होता है, पी मतलब प्रेशर बाय डेल्टा होता है के की वैल्यू, ठीक है, तो लेकिन पढ़ते हो हाईवे में, तो भाई मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। क्या होता है, प्रेशर टू द डिफॉर्मेशन, प्रेशर मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस टू द डिफॉर्मेशन, ठीक है, मिल गया, हो गया ना मैच, मिल जाएगा ऑप्शन, चलो ठीक है अगला देखते हैं। मैं नहीं देख रहा हूँ यार तुम लोगों को, मुझे पता है ये इजी लड्डू तो बनी जाएंगे तुम लोगों से यार, लड्डू खाना तो सीख ही गए हो कम से कम। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, द इनिशियल एंड फाइनल वॉइड रेशियो ऑफ अ क्ले सैंपल आर 1 and 0.5, तो पूछता है इनिशियल थिकनेस की वैल्यू अगर 2.4 है तो फाइनल थिकनेस की वैल्यू क्या होगी। वाओ बढ़िया है
डेल्टा एच अपॉन एच नॉट इज इक्वल्स टू बी डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नॉट, ये हम जानते हैं सर, अच्छी बातें जानते हो तो। अच्छा डेल्टा एच की वैल्यू यहां पर मेरे को निकालनी है। अच्छा कर रहे हो, कर लो, है ना। मेरे को पूछा है यहाँ पर फाइनल थिकनेस की वैल्यू, वैसे करने को तो आप इससे भी कर सकते हो। चलो डेल्टा ई की वैल्यू बोलो 1 माइनस 0.5 अपॉन 1 प्लस 1 और फाइनल थिकनेस की वैल्यू क्या है 2.4 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1/4 दैट इज इक्वल्स टू बी 6 सेंटीमीटर सॉरी। सो ये आ गया चेंज इन थिकनेस। पूछा क्या गया है फाइनल थिकनेस की वैल्यू, तो फाइनल थिकनेस की वैल्यू क्या होगी इनिशियल थिकनेस माइनस डेल्टा एच, है ना। इनिशियली कितनी थी थिकनेस 2.4, अच्छा तो 0.6 आएगा, ठीक है ना। तो 2.4 माइनस 0.6 मतलब कितना आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। ये भी कर सकते थे या फिर ये कर सकते थे कि भी वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू भी क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू 1 प्लस ई, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर थिकनेस का ही रेशियो ले रहा हूं प्रेजेंट टू द इनिशियल तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ई प्रेजेंट, क्योंकि भैया वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 प्लस ई नॉट के, तो ई नॉट, ठीक है। तो ये सिंपल भी सॉल्व कर सकते थे। फिलहाल की प्रेजेंट थिकनेस पूछ रहा है, इनिशियली थिकनेस कितनी है 2.4 इज इक्वल्स टू बी अभी फिलहाल का वॉइड रेशियो कितना है 0.5 और पहले का वॉइड रेशियो कितना है 1, तो ये आ गया 1.5/2 दैट इज 3/4, 3/4 हो जाएगी मेरी थिकनेस 2.4 का 3/4 मतलब 1.8। ये भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है यार। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कौन सा फॉर्मूला याद आता है जो तुम करना चाहो चलेगा। आंसर 1.8 ही आना चाहिए, ये पक्की बात है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट 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 दिख गया। एक्सेसिव सेटलमेंट होगा तो क्या करोगे, एक्सेलरेशन ऑफ कंसोलिडेशन करने के लिए क्या करोगे। अच्छा रिडक्शन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, दिक्कत है यार थोड़ा दिक्कत है यहाँ पर, ये सबके सब एक्चुअली कंसोलिडेशन से रिलेटेड नहीं है, बट ठीक है फिर भी सुन लो। हम लोग क्या करते हैं कंसोलिडेशन का रेट बढ़ाने के लिए क्या कर देते हैं, हम लोग सैंड ड्रेन्स प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा सैंड ड्रेन क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सैंड ड्रेन का एक परमिएबल लेयर है, सैंड की अगर एक लेयर दे दी तो वो क्या करता है परमिएबल लेयर है, पानी जल्दी जल्दी पास करेगा, सीधी सी बात है, जल्दी जल्दी करेगा मतलब एक्सेलरेट हो गया क्या पानी का मूवमेंट, पानी के मूवमेंट के कारण जो सेटलमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो जो कंसोलिडेशन है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा अगर सैंड ड्रेन दे देते हो तो। अच्छा फिर आगे क्या बोल रहा है, राइज ऑफ वाटर टेबल, अगर वाटर टेबल ऊपर राइज करता है, वाटर टेबल अगर ऊपर राइज करेगा तो जो हमारी फुटिंग है, फुटिंग की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है कम होने लगती है, तो बियरिंग कैपेसिटी डिक्रीज करती है, रिडक्शन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब बच जाता है एक्सेसिव सेटलमेंट है मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी है, क्योंकि जितनी ज्यादा सेटलमेंट जितना ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा सेटलमेंट होगा। और हाई एक्सपेंसिविटी, एक्सपेंशन ज्यादा होता है अगर मॉन्टमोरलाइट मिनरल प्रेजेंट है, तो ये क्ले मिनरोलॉजी का यहाँ पर मैचिंग हो रही है, इसके पहले वाला फुटिंग वाले चैप्टर से मैच होता, और बाकी हाई कंप्रेसिबिलिटी और एक्सेसिव सेटलमेंट जरूर मैं कंसोलिडेशन चैप्टर में मान सकता हूँ, बाकी दो अलग अलग चैप्टर के थे, बट ठीक है आई होप शायद मैच तो हो गया होगा भाई, बन रहे ना क्वेश्चंस। हाँ सर हाइट ऑफ सॉलिड्स मेथड नहीं बताया, अरे बिल्कुल बताया बेटा, कैसे नहीं बताया, ये फॉर्मूला नहीं बताया क्या, अरे यार कैसे बातें कर रहे हो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, ये नहीं जानते क्या, जानते हैं ना। तो भैया ये बता वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बी अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू 1 प्लस ई है, तो ये भी पक्की बात है ना कि जो थिकनेस है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस ई, बोलो हाँ नहीं बताया क्या, बताया है, थोड़ा लॉजिक लगाना खुद से भी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो फटाफट आंसर बताओ, है ना। नेक्स्ट ए डी दिया है यहां पर, अंतिमा ने गलत दिया है क्या पता नहीं, मैच द फॉलोइंग तो मैं ऑप्शन ही नहीं देखता हूं, तुम ही देखो।
लिखना पड़ेगा ना ऑप्शन को एक बार, या फिर मैच करते करते चलो ऑप्शन देखते देखते। ओवर कंसोलिडेशन क्या पूछ रहा है? That has a stress strain similar to the dense sand. Okay. Dense sand के लिए आपने stress strain curve नहीं पढ़ा। पढ़ोगे कहाँ पढ़ोगे? अगले वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो डेंस सैंड में एक्चुअली इंटरलॉकिंग होती है, जिसके कारण हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। कौन सा? स्ट्रेस स्ट्रेन वाला। ठीक है, ये कर्व इस तरह से बनता है। किसके लिए? डेंस के लिए। लेकिन अगर लूज सॉइल है तो उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। कौन सी सॉइल के लिए? लूज सैंड के लिए। कहां पढ़ोगे? शियर स्ट्रेंथ के चैप्टर में पढ़ोगे, अगला चैप्टर है वो हमारा। ठीक है, बट ठीक है, नहीं पढ़ा एक्सेप्ट कर लेता हूं, नहीं पढ़ा आपने। बट एक बात बताओ, डेंस सैंड मतलब क्या है भैया? जो कॉम्पैक्टेड है ऑलरेडी, है ना। अब एक बात बताओ, ऑलरेडी कॉम्पैक्टेड, इसका मतलब क्या होता है? कि भाई पहले कुछ मैक्सिमम लोड लगा है, कुछ ज्यादा लोड लग चुका है पहले, कुछ ज्यादा लोड पहले लग चुका है। इसका मतलब क्या है? कि वो सॉइल कैसी होगी? एक्सपीरियंस्ड होगी। एक्सपीरियंस्ड सॉइल आंसर क्या होता है? ओवर कंसोलिडेटेड। हाँ ना सर, ओसीआर की वैल्यू जितनी ज्यादा, इसका मतलब पास्ट में उतना ही ज्यादा लोड लगा है। हाँ ना, तो अगर ओसीआर की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस इन द पास्ट इज मोर। हाँ ना भैया, ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना। तो अगर ओसीआर की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस इन द पास्ट ज्यादा, और अगर पास्ट में स्ट्रेस ज्यादा लगा, इसका मतलब सॉइल उतनी ही ज्यादा डेंस होगी। हाइयर ओसीआर मतलब हाइयर डेंसर, हाई डेंसिटी सॉइल। ठीक है, हाई ओसीआर मतलब हाई डेंसिटी सॉइल। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया। क्योंकि जितना ज्यादा ओसीआर, इसका मतलब पास्ट में उतना ही ज्यादा लोड लग चुका है, और अगर पास्ट में लोड लग चुका है ऑलरेडी, तो सॉइल कैसी होनी चाहिए? डेंस होनी चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए? ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होगी, लेकिन वो भी कौन सी? हाई ओसीआर वाली। ज्यादा अच्छा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यार ये पढ़ना बाकी है शियर स्ट्रेंथ के चैप्टर में। ठीक है चलो, नहीं यार ये रहने दो, ये एक्चुअली आपको पूछ रहा है ये ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट तो पढ़ा ही नहीं है, सॉरी ट्राइएक्सियल का टेस्ट तो पढ़ा ही नहीं है अभी तक। इस क्वेश्चन को देखो अगला, पढ़ो पढ़ो आराम से और देखो आंसर क्या आता है। है ना, कोई डाउट किसी को? नहीं, किसी ने कोई डाउट तो नहीं पूछा, बस आंसर दे रहे हो धीरे धीरे से। Which of these statements are correct? मतलब तीन में से कौन कौन से सही है, तीनों के बारे में कंफर्म होना चाहिए आपको, तभी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। एग्जाम है ESE, तो आंसर तभी आप सही कर पाओगे जब तीनों के बारे में श्योर हो। पढ़ो आराम से, बताओ तीनों में से कौन कौन से सही है, टाइम तो लगेगा पढ़ने में, है ना। कुछ अगर आंसर आता हो तो बताना मेरे को। क्या बताऊं, कर चुके हम लोग एक्चुअली, जब मैंने शुरुआत में इस चैप्टर के क्वेश्चन जब शुरू कर रहे थे तब ये क्वेश्चन हो चुका है। हाँ भाई, दूसरी एग्जाम्स में भी तो ESE के क्वेश्चन उठा के दे देता है वो आपको। तो जब दूसरी एग्जाम से क्वेश्चन देख रहे थे ना हमने, तब ये क्वेश्चन देख चुके ऑलरेडी, जरूर ESE में पूछा गया बहुत पहले। लेकिन हाँ, अभी भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, दूसरी एग्जाम्स में। ठीक है, देख लो क्या है। द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल मास सब्जेक्टेड टू प्रेशर रिमेंस अनचेंज्ड। डिग्री ऑफ सैचुरेशन S की वैल्यू कांस्टेंट रह जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई, पहले भी सैचुरेटेड रहती है सॉइल, बाद में भी सैचुरेटेड रह जाती है, पूरी कंसोलिडेशन के दौरान सॉइल सैचुरेटेड ही रहती है। तो ये सही है। ठीक है, अगला देखो सेकंड स्टेटमेंट। सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज ड्यू टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल। बिल्कुल सही बात है, रीअरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स के कारण मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। व्हेन द पोर फ्लूइड इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी एक्सेस प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, और एक्स्ट्रा लोड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है वहां पर, सॉरी एक्स्ट्रा लोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब क्या है कि जितना पानी बाहर निकलना था उतना निकल चुका है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उतना ही है। ठीक है, तो ये सही है, एकदम सही है। रीअरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स के कारण होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन, और उसमें पानी पे जो भी लोड लग रहा था, जो एक्सेस प्रेशर आया था, वो जीरो हो चुका था प्राइमरी कंसोलिडेशन में। चलो थर्ड देखते हैं। प्राइमरी कंसोलिडेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द परमेबिलिटी बट डिपेंड्स ऑन द डिक्रीज इन वॉइड्स वॉल्यूम ड्यू टू एयर एस्केप। अरे यार क्या बात कर रहे हो, प्राइमरी कंसोलिडेशन में एयर एस्केप की बातें कहां से आ गई? एयर एस्केप नहीं होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन में, है ना। एयर एस्केप किसमें होता है? इनिशियल कंप्रेशन में।
तो ये गलत है, दो सही, वन एंड टू सही, मतलब ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, है ना, आराम से पढ़ो, आंसर भी तो देना है पढ़ के। वन एंड टू सही है सचिन, ठीक है। अच्छा ए ए बोल रहे थे, ए ही सही था, चलो बढ़िया यार, मतलब आंसर तो तुम लोग सही दे रहे हो, है ना, आंसर सही आ रहे क्या तुम लोगों के? मैं नहीं चेक कर रहा हूँ, खुद ही चेक करो कि तुम्हारे आंसर सही आ रहे हैं। अगर सही आ रहे होंगे इसका मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ेगा, है ना। तर्ज़ागी कंसोलिडेशन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन टेस्ट, सही बात है, 1D कंसोलिडेशन टेस्ट पे डिपेंड करता है, इज एप्लीकेबल टू 1D, सही है। लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तर्ज़ागी थ्योरी? तर्ज़ागी थ्योरी में हम लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि भैया वॉइड रेशियो की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, हम ये अज्यूम कर रहे थे v इज इक्वल टू ki में k की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। अरे भैया ये सब कॉन्स्टेंट कैसे रहेगा, ये तब कॉन्स्टेंट रहेगा ना, नहीं e की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं मानते, ये कांस्टेंट नहीं मानते, लेकिन भाई k को मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ ना। अरे k को कांस्टेंट कब मानूंगा, जब यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हमारी सॉइल में, ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है कि लोड कैसा लगा गया है, लोड कैसा लगाया गया है, स्मॉल, है ना, क्योंकि अगर ज्यादा लोड लगेगा तो जो एजम्पशंस है वो सही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो एजम्पशंस जो हमारी सॉइल में वो सही रह जाते हैं कब तक, जब तक आपका लोड कम लगाया जाए, लो लोड इंक्रीमेंट्स। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़ो, है पूछता है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, मतलब ये चेक कर रहा है डायरेक्टली कि बेटा आपको फॉर्मूला याद है क्या नाम के साथ तो अगर नॉर्म सॉरी नाम के साथ फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, चेक करो कौन सा फॉर्मूला गलत है, कौन सा फॉर्मूला गलत है, यही पूछ रहा है। एक ही ऑप्शन है यार, पहचान में आ जाएगा तुरंत के तुरंत, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला गलत है यहाँ पर। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सी वी इज इक्वल टू बी टी वी इन टू एच स्क्वायर बाय टी, सही है वो। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, बिल्कुल ये फॉर्मूला लिखवाया है मैंने, है ना, डेल्टा ई लिखा था यहाँ, उसे डेल्टा सिग्मा डैश लिखा था इसके लिए, सही है ये। ये गलत है क्योंकि अंडर रूट नहीं आता, अंडर रूट नहीं आता, सिंपल रेशियो होता है ये, यही टिक कर देंगे, गलत है ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है ये, लेकिन ठीक है ईएससी में है तो बता देता हूँ भाई, ईएससी का क्वेश्चन था वो जो पहले किया था, क्योंकि भाई क्रेडिट तो इसको मिलना चाहिए, बाकी एग्जाम तो चोर है, इधर इधर से क्वेश्चन उठा लेती है, है ना, और वो चोर एग्जाम भी तुमसे क्लियर ना हो पाए इसका मतलब क्या समझते हो? चोर एग्जाम क्यों बोलूंगा, क्योंकि भाई एग्जाम्स में क्वेश्चंस डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं, या तो कोई ना कोई बुक से उठाता है या फिर प्रीवियस के क्वेश्चन से उठा लेता है एग्जाम, और तुम लोग वो भी नहीं समझ पाते कि कहां से चोरी हो रही है ना, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस कर लोगे समझ में आ जाएगा, यार अधिकतर क्वेश्चन तो इधर से उठाते हैं। अच्छा देखो चलो अगला क्वेश्चन क्या है, the three stages which would be relevant to the consolidation, तीन initial consolidation या initial compression होता है सबसे पहले, फिर primary consolidation होता है, फिर secondary होता है, 1, 2, 3 सही है, final consolidation जैसा कुछ term नहीं पढ़ा आपने, तो 1, 2, 3 सही, मतलब option number A। अगला question, assertion reasoning का question है, पढ़ो आराम से यार, है ना, पढ़ो पढ़ो और टिक करो, 1, 2, 3 बिल्कुल सही बात है, अच्छा हैप्पी इंजीनियरिंग अच्छा और पढ़ो पढ़ो इसको और बताओ। तर्ज़ागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन कंसीडर्स ओनली प्राइमरी कंसोलिडेशन, अरे वाह सही बात है यार, सिर्फ प्राइमरी कंसोलिडेशन को कंसीडर करता है, एकदम सही है, यही तो पढ़ा है नाम, तर्ज़ागी थ्योरी ऑफ 1D प्राइमरी कंसोलिडेशन। आगे देखो क्या लिखा है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द प्राइमरी कंसोलिडेशन, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यार एक बात बताओ, दोनों है तो सही, क्या रीजन भी है ये यार, तर्ज़ागी थ्योरी प्राइमरी के लिए एप्लीकेबल है, इसका रीजन है कि भाई नहीं यार वो सेकेंडरी बाद में होता है इसीलिए तर्ज़ागी की थ्योरी इसके लिए एप्लीकेबल है, नहीं ऐसा नहीं है,
है ना, तो रीजन नहीं है एक्चुअली ये। हाँ लेकिन दोनों स्टेटमेंट जरूर सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन ना हो तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करते हो आप क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट, अरे भाई कोई भी क्वेश्चन में डाउट आया तो पूछ लेना यार, क्योंकि मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ आप लोगों से बन रहा है, अगर ना बना हो कोई क्वेश्चन तो उसका रीजन बोल देना सर, वो नहीं समझ में आया। चलो चलो जल्दी जल्दी मैच करो इसको फटाफट, है ना, मैच करो फटाफट, ये तो बहुत इजीली मैच हो जाएगा यार, इतना पढ़ लिया, इतने क्वेश्चंस कर लिए, ये तो हो ही जाएगा। फिर भी चलो देख लो एक बार, हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यही आते हैं एक्चुअली अधिकतर एग्जाम में, तो दिक्कत ये यही आते हैं फिर भी नहीं होती एग्जाम क्लियर, पता नहीं। खैर कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, एवी, एवी कहाँ दिख रहा है, ठीक है, कंप्रेशन इंडेक्स सीसी है ना, सीसी, टाइम फैक्टर टीवी, टीवी इज इक्वल टू बी सीवी इनटू टी बाय डी स्क्वायर, सीवी इनटू टी बाय डी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन, टू। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एमवी, एमवी एमवी एमवी, हो गया खत्म मैच, हो गया ना, यही तो करना था इधर। चलो अगला करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्राइमरली ड्यू टू स्क्वीजिंग आउट ऑफ वॉटर, अरे वाह पानी बाहर निकलने के कारण कौन सा वॉल्यूम रिडक्शन होता है, तो पानी बाहर निकलने के कारण सर कौन सा होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन। हवा बाहर निकलने के कारण कौन सा होता है, इनिशियल कंप्रेशन। रीअरेंजमेंट के कारण क्या होता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। कितनी बार पढ़ाओगे सर, प्राइमरी कंसोलिडेशन, टिक कर दो खत्म करो आगे बढ़े, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो तुम ही पढ़ो आराम से धीरे धीरे, मुझे तो बस यही देखना है कि वन वे है पहले कि बाद में वन वे है, बस और कुछ नहीं देखना है ना। पढ़ो तुम लोग आराम से पढ़ो, है ना। द सेटलमेंट एनालिसिस फॉर द क्ले लेयर ड्रेनिंग टॉप एंड बॉटम, ठीक है भाई क्या दिख रहा है कि जब टॉप एंड बॉटम मतलब ये है 10 सेंटीमीटर की अल्टीमेट सेटलमेंट हो रहा है, लेकिन 4 साल में 2.5 सेंटीमीटर का हो रहा है, लेकिन ये क्या लिखा है टॉप एंड बॉटम, मतलब ये टू वे के लिए टाइम दिख रहा है 4 इयर्स। फिर आगे क्या बोल रहा है कि बाद में पता चला कि कोई ड्रेनेज नहीं हो रहा नीचे वाली लेयर से, मतलब कैसा हो गया वन वे ड्रेनेज, तो वन वे में टाइम कितना लगता है सर, 1/4 लगता है, 1/4 मतलब 4/4 1 ईयर। अरे सर ये तो पूछा ही नहीं गया था। पूछा क्या गया था, पूछा गया था अल्टीमेट सेटलमेंट की वैल्यू क्या होगी, भाई अल्टीमेट सेटलमेंट की वैल्यू चेंज नहीं करती चाहे वो वन वे हो चाहे वो टू वे हो, है ना, जानते हो ना, तो भाई अल्टीमेट सेटलमेंट पहले कितना था 10, अभी भी कितना होगा 10, क्यों भाई, मैंने एक एग्जांपल दिया था याद होगा आपको, क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं उतने ही तो बाहर निकलेंगे, चाहे आपका दरवाजे 2 हो चाहे दरवाजा 1 हो चाहे दरवाजे 4 दे दो, लेकिन जितने स्टूडेंट है उतने ही तो निकल पाएंगे ना क्लास में से, इसका मतलब टोटल सेटलमेंट भी उतना ही हो पाएगा जितने वॉइड्स थे, चाहे आपका ड्रेनेज आप बढ़ा भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अभी भी कितना सेटलमेंट होगा अल्टीमेट 10 ही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पढ़ो तुम्हें और बताओ आंसर क्या आएगा, है ना। आर फास्टर कंपेयर टू दोज ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन क्ले सॉइल, अरे पता नहीं क्या बोल रहा, तुम ही पढ़ो आराम से, क्वेश्चन तो इजी है, कितना टाइम, अरे वाह टाइम हो रहा है, वन वे में 16 साल होगा ना, हाँ वन वे में 16 साल तो होगा, हाँ 16 साल टाइम ज्यादा लगेगा, सॉरी 4 × 4 लगेगा, 16 साल लगेगा, सही बात है टाइम ज्यादा लगेगा, गलत हो गया क्योंकि वहां पर ध्यान दे दिया था, ठीक है चलो जो भी है, हाँ भाई मेरी गलती मान लेना। अभी बताओ एसेशन रीजनिंग में, द रेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स ऑन सैंडी क्ले सॉइल आर फास्टर कंपेयर टू दोज बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड ऑन क्ले सॉइल, अच्छा रेट ऑफ सेटलमेंट ज्यादा होता है सैंडी में एज कंपेयर टू क्ले, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर मैं यहां पर बात करता हूं टाइम का, यहां पर रिलेशन निकालूं, ये टाइम लिख रहा हूं और इधर लिख रहा हूं सेटलमेंट,
तो क्या है कि अगर सैंडी सॉइल है तो सैंडी सॉइल में कुछ इस तरह का देखने को मिलता है ग्राफ, इस तरह का देखने को मिलता है किसमें, सैंड में। सैंड में कोई सेटलमेंट होता है, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर मैं क्ले की बात कर रहा हूं तो क्ले में क्या होगा सर, क्ले की परमेबिलिटी, पहली बात तो क्ले की परमेबिलिटी कम है, मतलब धीरे धीरे सेटलमेंट होगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल सेटलमेंट की बात करता हूं, मैक्सिमम सेटलमेंट क्ले में ज्यादा होगा कि सैंड में ज्यादा होगा, तो भैया टोटल सेटलमेंट डिपेंड करता है कि वॉइड्स कितने ज्यादा है, आया ना भाई। जितने ज्यादा वॉइड्स होंगे उतना ज्यादा टोटल सेटलमेंट होगा, और वॉइड्स किस में ज्यादा होते, क्ले में ज्यादा होते, इसका मतलब टोटल सेटलमेंट क्ले में होगा ज्यादा, लेकिन रेट ऑफ सेटलमेंट सैंड में ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं, क्ले में धीरे 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 होगा लेकिन मैक्सिमम ज्यादा हो जाएगा, तो ये होगा ग्राफ किसका, क्ले का, ठीक है। बस पूछा क्या था ए में, बोल रहा है कि रेट ऑफ सेटलमेंट फास्टर होता है सैंडी में, बिल्कुल सही बात है, अरे वाह सही है। आगे देखो आर क्या लिखा है, द रेट ऑफ कंसोलिडेशन इज डिपेंडेंट ऑन द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल एंड द परमेबिलिटी ऑफ सैंडी, अरे बिल्कुल सही है, ये सही है, और ये एक्चुअली इसका रीजन भी है, मतलब क्या टिक करूंगा, रीजन भी है, मतलब ऑप्शन नंबर ए टिक करोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देखो और फटाफट आंसर बोलो, कुछ आता है अगर तो बताओ। पता नहीं क्या पूछा है, इनिशियल थिकनेस की वैल्यू पूछ रहा है, नहीं सेटलमेंट का फॉर्मूला पूछ रहा है, सेटलमेंट का फॉर्मूला बिल्कुल यार याद हो गया होगा अभी तक, तो क्या याद हो गया, डेल्टा एच अपॉन एच नॉट इज इक्वल्स टू बी डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नॉट, बोलो याद है, हाँ याद है, क्या पूछा है, डेल्टा एच का फॉर्मूला एच इंटू डेल्टा ई, एच इंटू डेल्टा ई, इधर भी है, अपॉन वन प्लस ई नॉट, ई नॉट लोगे ना कि ई फाइनल लोगे, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देना भाई, ठीक है। सेटलमेंट की वैल्यू पूछी थी, अगला क्वेश्चन इजी है ना, क्वेश्चंस ईएससी के तो सर बहुत जल्दी हो रहे हैं, गेट के कंपैरिजन में तो बहुत जल्दी हो रहे हैं, अच्छी बात है यार, तो क्या इजी है पता नहीं। खैर चलो देखो, विच ऑफ दीज फिगर्स, अच्छा बेटा बताओ कौन सा एग्जाम ज्यादा इजी, दोनों एग्जाम बोल रहा हूं, ईएससी ज्यादा इजी है कि गेट ज्यादा इजी है, कौन सा ज्यादा इजी है, टारगेट दे रहा हूं आपको, टारगेट दे रहा हूं, टारगेट क्या है, टारगेट हमारा है टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि भैया अधिकतर जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं या पेरेंट्स तैयारी करवा रहे हैं आपको, तो क्यों करवा रहे हैं, ताकि बच्चा क्या निकाल लेगा, एक सरकारी नौकरी पा लेगा, बोलो हाँ हाँ, तो बेटा गवर्नमेंट जॉब निकालना है तो कौन सा ज्यादा इजी है। ये देखो एक बार, अगर अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो, अदरवाइज अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स पाने की ही बात कर रहा हूं, आसानी से मिल जाए, तो उसके लिए और आसान रास्ता क्या है सर, AEJEE की एग्जाम्स दे दो, काफी है, ये ज्यादा आसान है, ये तो पक्की बात है, लेकिन ये नहीं बात कर रहा हूं, इसको मैंने ऑप्शन में ही नहीं दिया है, ये ज्यादा आसान है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों में से पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा आसान है गवर्नमेंट जॉब क्लियर करने के लिए। ये भी तो क्वेश्चन होने चाहिए यार, ऐसे वाले भी सवाल तो होने चाहिए ना, ऑप्शन दे रहा हूं ना, एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन है, हमसे ना हो पाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट जॉब निकालना कौन सा ऑप्शन ज्यादा आसान दिख रहा है, चौथा है, हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो मेरे को पता है शायद अधिकतर बच्चे इधर टिक करते हैं, सर नहीं होती, तैयारी करना ही छोड़ दिया सर, पढ़ाई पे भरोसे उड़ गया सर, सरकार बहुत बुरी है, वैकेंसी नहीं आ रही, चौथे ऑप्शन पे टिक कर देते, बट यार सही नहीं है यार चौथे ऑप्शन पे, तो या तो ये बताओ या तो ये बताओ या ये बताओ, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जॉब की बात नहीं कर रहा, तो जॉब निकालना या फिर रुपये कमाना तो बहुत आसान है, खैर बहुत तरीके रुपये कमाने के, तो इधर अच्छा इसका आंसर देते रहे ना, इसका आंसर देते अभी पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन को अभी दिमाग में रखते हैं, इसका आंसर बताओ पहले, क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज फिगर्स रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द ऑपरेटर फॉरगॉट टू पुट ऑन द पोरस स्टोन, कायदे से क्या करना था उसको, कि भैया यहां पर पोरस स्टोन लगाना था, क्या करना था, पोरस स्टोन लगाने थे इधर, लेकिन अगर पोरस स्टोन लगाता तो कैसा होता है, यहां पर टू वे ड्रेनेज होता, और टू वे ड्रेनेज होता तो भाई कुछ इस तरह का ग्राफ बनता हमारा पोर वाटर प्रेशर के वेरिएशन का, ये आप जानते हो। लेकिन अगर मान ले यहां पे पोरस स्टोन है, ये पोरस है,
और ये पोरस है, तो डायग्राम इस तरह का बनता है, ठीक है, पोरस या परमेबल जो भी बोल दो आप। लेकिन अगर मान ले कुछ डायग्राम में मैं ये बोलता हूं कि भैया इधर है, ये है प्लेट, इनपरमेबल प्लेट है, और इधर है हमारा स्टोन पोरस, ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनता था? सर प्लेट पे स्ट्रेसेस मैक्सिमम होंगे, कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये बन गया देखो सेकंड वाला, है ना, फर्स्ट वाला भी बन सकता था अगर प्लेट होती नीचे तो, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल पॉसिबल। कब पॉसिबल वो पता है, जब यहां है हमारा प्लेट तो, और अगर इधर प्लेट है तो ये वाला बनेगा, ठीक है, ऊपर पोरस स्टोन है। और अगर मान ले दोनों ही तरफ पोरस स्टोन, पोरस स्टोन है, पोरस स्टोन का कलर चलो अलग कर देता हूं, अगर इधर पोरस स्टोन है, इधर पोरस स्टोन है, तो ये डायग्राम बनेगा, इधर पोरस स्टोन है तो ये, और इधर पोरस स्टोन है तो ये, तो हल्का वाला पोरस स्टोन है और डार्क कलर का जो है वो प्लेट है, मैं मान लेता हूं। लेकिन अगर बेटा मान ले दोनों ही तरफ प्लेट प्लेट रखी है, मतलब वहां पर कंसोलिडेशन हो ही नहीं पाएगा, जो भी लोड लगाया है पूरे के पूरे सॉइल में सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब सभी जगह क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल प्रेशर हो जाएगा, अगर पानी को बाहर ही ना निकलने दो आप तो, है ना, अगर पानी को बाहर ही ना निकलने दे रहे हो, मतलब इधर भी प्लेट लगा दी, इधर भी प्लेट लगा दी, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो चारों डायग्राम है, लेकिन चारों डायग्राम कौन से केस में पॉसिबल होते हैं मैंने वो ही बता दिया आपको डायरेक्टली। अब जरा चेक कर लो क्या बोल रहा है, दैट फॉरगॉट टू प्ले पुट ऑन द पोरस स्टोन, मतलब उसने पोरस स्टोन लगाए ही नहीं, बिल्कुल भी लगाए नहीं पोरस स्टोन, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही तरफ से इम्परमेबल रह गई, इम्परमेबल रह गया, मतलब ये वाला कंडीशन थ्री वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दोनों ही तरफ उसने पोरस स्टोन नहीं लगाया, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था हमारा बिल्कुल कि भैया गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना है या गवर्नमेंट जॉब पाना है तो कौन सा रास्ता ज्यादा आसान है, ये तो क्लियर है, ये पक्की बात है, इस पर करना चाहिए, एई जेई की एग्जाम्स क्लियर करना ज्यादा आसान है क्योंकि वैकेंसीज इधर ज्यादा मिल जाती हैं। इन दोनों के में एक थोड़ा सा डिबेट जरूर है, ठीक है, बाद में बात करते हैं इसके बारे में, खैर ठीक है। हाँ ईएससी वाई नॉट जब इजी है तो ईएससी क्लियर करना आसान है, अरे वाह यार भाई, सबको आकर देखना चाहिए कि भाई स्टूडेंट क्या जवाब दे रहे हैं कि सर ईएससी क्लियर करना आसान है। ये मेरा मन रखने के लिए तो नहीं बोल रहे हो कि सर आप ईएससी क्वेश्चन करवा रहे हो तो हम ईएससी को आसान बोल देंगे, नहीं ऐसा ऐसा नहीं है यार, ऐसा है नहीं, एक डिबेटेबल टॉपिक है, थोड़े से बाद में बात करते हैं इसके बारे में, आज तो नहीं यार। मैं चाहूंगा कि यार अगर ऐसा कुछ टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है अधिकतर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने सॉइल पढ़ी हुई है, या पढ़ी भी हुई है या नहीं भी पढ़ी है तो भी कम से कम 35th लेक्चर, आज 35th है, 35th तक तो हर कोई पहुंच नहीं पाएगा, जानता हूं, तो अभी डिस्कस नहीं करते इसको, थोड़ा अलग से अलग सेशन रखेंगे, इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि दिक्कत ये है कि स्टूडेंट्स को तैयारी कहाँ करनी चाहिए ये उनको पता नहीं है, कई बार तो कहाँ तैयारी करनी चाहिए वो पता चले पहले, फिर तो तैयारी करेंगे, है ना। खैर चलो यार आज के सेशन को यहीं एंड करता हूँ, क्वेश्चंस तो और भी बाकी है, ईएससी के क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए अभी तक, शायद मैंने करवा दिए हैं 26, मतलब करीब 20 क्वेश्चन ही करवाए हैं, और बाकी है 40-45 क्वेश्चंस बाकी है अभी ईएससी के ही, तो भाई वो करेंगे, कल का सेशन पूरा ईएससी के प्री के नाम पर रहेगा, ठीक है, ऐसा लग रहा है कंसोलिडेशन चैप्टर ही पढ़ रहे हैं लोग, सॉइल तो पढ़ ही नहीं रहे, बट ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन ज्यादा है, जो भी है बन जाए हमसे, और क्या चाहिए हमें, है ना, टाइम तो है, वैसे भी लॉकडाउन है, क्या करोगे, एग्जाम तो वैसे भी नहीं है यार, है ना, तो अच्छे से पढ़ लेते सारे क्वेश्चन कर लेते। तो खैर आज के सेशन को मैं यही एंड करता हूं, अगर कोई डाउट हो तो पहले पूछो यार, फिर मैं एंड करूं क्लास, ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई अगर डाउट हो तो फिर ए ही ज्यादा आसान है, ये क्लियर करना एग्जाम, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए ना, सिर्फ यही चाहिए ना तो अच्छा है, लेकिन एक और डाउट आ जाता है, पता है एक और डाउट क्या है, आप अगर ज्वाइन करते हो, देखो भैया अगर आप जेई के तौर पे ज्वाइन करते हो, फिर धीरे धीरे एई बनते हो, फिर धीरे धीरे ए डबल ई, मतलब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ईएससी के एग्जाम क्लियर करते तो भाई यहाँ आ जाते डायरेक्टली, इस वाली पोस्ट पे आ जाते हैं, एई के एग्जाम क्लियर करोगे तो ये वाली पोस्ट पे आ जाओगे, जेई की मतलब ये है। अब बात ये है कि ये तो हो गई सर हमारी जो लेवल्स हैं, इस लेवल से इस लेवल तक जाने के लिए अगर आप डिपार्टमेंट में प्रमोशन की बात कर रहे हो तो भाई ये कम से कम मान के चल ले
कि 15 साल लगेंगे ऑन एन एवरेज. अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग टाइम लगता है, ठीक है. डिपेंड करता है कि भैया ऊपर कितने लोग हैं आपके. लेकिन जेई के तौर पे ज्वाइन करें ना और एई बनना चाहते हो, ज्वाइन कर लिया मैंने, अब और कोई एग्जाम नहीं देनी मेरे को, तो भाई जेई बन जा, एग्जाम क्लियर कर ले, अच्छी बात है, मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस, एग्जाम क्लियर कर लिया आपने जेई के तौर पे. लेकिन भाई जेई से एई बनने में भी ना 15 साल लग जाएंगे कम से कम. हाँ, इधर भी अगेन 10 से 15 साल कम से कम मान के चल ले, है ना. तब दिक्कत ये है कि सर तैयारी करनी कहाँ चाहिए. बात ये है सर, ये एग्जाम बहुत इजीली निकल जाती है. इजी है सर, ये क्या है, इजी है सर क्लियर करना. सर ए डबल ई एससी क्लियर करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है सर. सही बात है यार, एकदम बिल्कुल सही बात है ना. बड़े यार, अगर ये क्लियर करा तो अपने लाइफ के शायद 30 साल आप सेव कर लोगे. क्योंकि अगर आप जेई के तौर पे ज्वाइन कर रहे हो ना, तो ये ए डबल ई बनने में बहुत टाइम लगेगा और मे बी शायद आपके रिटायरमेंट आ जाएगा और आप ए डबल ई बनोगे, मे बी शायद. तो ये समझ रहे हैं, मतलब ये रिटायरमेंट तक पहुंचा बंदा, अगर जेई के तौर पे ज्वाइन करा तो रिटायरमेंट तक पहुंचेगा और शायद ए डबल ई बन पाए या ना बन पाए पता नहीं, तुम्हारे ऊपर है. अब बात यही है कि ठीक है सर टफ है, सवाल यही आ रहा है सर टफ है, बात सही है. लेकिन भाई टफ तो है, ठीक है, लेकिन क्या जिंदगी के 30 साल जेई से ए डबल ई तक का जो जर्नी है, बहुत सारी तकलीफें आनी है, वो सारे के बराबर है क्या, इतना टफ है क्या. खुद से सवाल पूछना एक बार, अगर जेई के लेवल तक सरेंडर कर रहे हो आप तो. हाँ, ये बिल्कुल बात सही है. कई बार स्टूडेंट ये करते हैं सर जेई की एग्जाम क्लियर कर लेता हूँ फिर बाद में सोचूंगा ए डबल ई की. ये भी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, अच्छी बात है यार, कर रहे हो अच्छी बात है. लेकिन पता क्या हो जाता है, एक बार जो शेर के मुंह में एक बार खून लग गया ना, खून क्या होता है पता है, ये जेई में मिलती एक चीज क्या, सैलरी. सैलरी होती सर 45,000 के आसपास, 45,000 से 50,000 मान लेते हैं सर. एक बार ये मिलना शुरू हो जाता है ना, तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता. और पढ़ाई में मन नहीं लगा मतलब बेटा कहाँ के कहाँ रह जाओगे, जेई में रह जाओगे, जेई के रह गए, बन गए, बन के रह गए, हो गया बेटा. फिर अब लगाओ 30 साल ए डबल ई बनने तक के लिए, है ना. ये एक पॉइंट हुआ कैरियर वाला, जरूरी है, है ना. और भी बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पर. डिबेटेबल टॉपिक मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये तो हुई मैंने एक ही बात करी अभी तक, क्या पोस्ट की बात करी, सिर्फ पोस्ट की बात करी. दूसरी बात एक और आ जाती है, सर लाइफ कैसी रहेगी. सर लाइफ पावर तो इधर ज्यादा है, बात सही है भाई. लेकिन एक और बात आ जाती है, पता है गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जॉब करते क्यों है अधिकतर स्टूडेंट्स या अधिकतर लोग. हमारे घर में, हमारी फैमिली में बचपन से बोला जाता है बेटा गवर्नमेंट जॉब निकाल ले, गवर्नमेंट जॉब निकाल ले. क्यों बोला जाता है घर में, रीजन है पता है उसका क्या, अधिकतर स्टूडेंट्स यही रीजन देते हैं. सर क्या है रीजन गवर्नमेंट जॉब करने का, रीजन है ये सेफ्टी. सेफ्टी का मतलब पूछता हूँ बेटा क्या है सेफ्टी, तो बोलता है सर वो कभी जॉब में से निकाल नहीं सकता, चाहे मैं काम करूँ ना करूँ, सैलरी हर महीने आएगी ही आएगी, पक्की बात है सर. हाँ अरे बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सही पकड़े आप, पकड़ तो लिया सही. लेकिन अब एक और बात समझना, ए डबल ई बैठा ऊपर और अगर वो काम करवाना चाह रहा है और ये जेई काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो क्या ए डबल ई में हिम्मत है, क्या ये पावर है ए डबल ई के पास कि वो जेई को निकाल पाए, नहीं है ना पावर. तो क्या जेई ठीक से काम करेगा, उसको हटा सकते हो, नहीं हटा सकते ना, बिल्कुल नहीं हटा सकते ना. तो ये पक्की बात है, इससे काम करवाने का हेडेक इसके पास है. इससे काम करवाने का हेडेक इसके पास है, इसके पास है. और ये निठल्ला है, ढीठ है, था नहीं पहले, पहले तो बहुत अच्छा था, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट था, लेकिन निठल्ला ढीठ क्यों बन गया, क्योंकि इसको पता है गवर्नमेंट जॉब में आके निकाल नहीं सकते मेरे को, अच्छी बात है. नहीं निकाल सकते तो क्या ये ठीक से काम करेगा, नहीं करेगा. ये ठीक से काम नहीं कर रहा, काम इसको करवाना बेटा, सारी टेंशन किसको मिलेगी, इधर मिलेगी. तो ये वाला भी सेकंड पॉइंट है, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन भी मिलती है. पावर तो है, कर तो सकता है कुछ, लेकिन निकाल नहीं सकता, है ना. बहुत रेयर केस में किसी को निकाला जा सकता है, तो की बात है टेंशन इधर बहुत ज्यादा. तो वो भी पॉइंट होता है एक, जो कंसिडर करना पड़ता है, आप कई बार करना पड़ता है, नहीं करते स्टूडेंट. इसलिए मैंने बोला बहुत बड़ा एक टॉपिक हो जाता है, डिबेट हो जाएगा यहाँ पर घंटों घंटों का, कि कौन सी एग्जाम क्लियर करना ज्यादा अच्छा है. 15 साल बचा लेना अच्छा है, एई बन जाता हूँ सर मैं, जेई नहीं तो एई बन जाता हूँ, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है,
बहुत सारी बातें हैं, खैर कभी खुलकर करेंगे बातें, आराम से डिस्कस करेंगे, और भी टीचर्स हैं उनको भी लेकर बैठूंगा आराम से, ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए कि यार क्या करना चाहिए। अगर कोई एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी फील्ड पे काम कर रहा है तो उनको भी लेकर आऊंगा, ताकि आपको पता चले कि कौन सी एग्जाम क्लियर करना ज्यादा अच्छा रहेगा सभी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बात ये नहीं है, बात ये भी नहीं है, इनके अलावा भी कुछ बातें आती है वो भी देखनी जरूरी है। तो जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी फील्ड पे काम कर रहे ईजेई है ऑलरेडी, मेरे तो अधिकतर दोस्त उसी में है, उनको भी लेकर आऊंगा, कभी बैठेंगे बात करेंगे अपन आराम से, है ना। खैर चलो, अभी अकेले बात करना अच्छा नहीं है यार, चलो खैर एंड करते हैं, ठीक है, बाय बाय।